नमस्कार, कंपटीशन कम्युनिटी के यूट्यूब चैनल पे मैं विकास सिंह आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक संरचना के बारे में। थोड़ा सा देखिएगा, मैं इस आंतरिक संरचना को खुद से ड्रॉ करूंगा और उस ड्रॉ को आप भी हमारे साथ ड्रॉ करते हुए चलेंगे और एक एक के चीज के बारे में हम लोग बात करेंगे, खूब अच्छे से बात करेंगे एक एक चीज के बारे में। आप लोग हमारे साथ ही बनाते हुए चलिएगा और लिखते हुए भी चलेंगे, ठीक है। चलिए सबसे पहले हम लोग पॉइंट बात करते हैं। पहले एक ये आपका अर्थ है, ठीक है ना, क्या है ये पृथ्वी है और पृथ्वी का ये सबसे आउटर लेयर है, पृथ्वी का ये सबसे आउटर लेयर है और इसका नाम है क्रस्ट। इसका नाम क्या है? क्रस्ट, जिसको हिंदी में भूपर पट्टी भी कहते हैं, भूपर पट्टी। तो आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है पहला पॉइंट। आप लोग क्या लिखेंगे इसमें? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ है पहला पॉइंट इसका, ये है। हो गया, समझ में आ गया। चलिए जब दूसरा पॉइंट की बात करते हैं क्रस्ट के बारे में, समझते चलते हैं धीरे धीरे। जब दूसरे पॉइंट की बात करते हैं तो यहाँ के एलिमेंट्स के बारे में बात होता है, ठीक है, कि एग्जाम का क्वेश्चन यही बनता है सबसे ज्यादा। तो एलिमेंट्स की जब बात करते हैं तो इस क्रस्ट पे जो सबसे ज्यादा पाए जाने वाले उसको हम लोग सियाल से डिनोट करते हैं। एग्जाम वगैरह में ये क्वेश्चन सियाल से पूछेगा कि सियाल किससे जुड़ा हुआ है, तो क्रस्ट से जुड़ा हुआ है, यानी कि सिलिका और एल्यूमिनियम, सिलिका एंड एल्यूमिनियम, ठीक है, सिलिका और एल्यूमिनियम सियाल से जुड़ा हुआ है, ये पॉइंट है एक। दूसरा, क्रस्ट की स्थिति की बात करें तो क्रस्ट कैसा है, तो देखो क्रस्ट जो है ना सॉलिड स्टेट में है। क्या है? सॉलिड स्टेट में, क्रस्ट सॉलिड स्टेट में एकदम सॉलिड है, तभी उस पे ओशियन है, तभी उस पे पेड़ पौधे और हर चीज है। तो क्रस्ट क्या है? सॉलिड स्टेट में है, इस बात को समझिएगा। इसको अगर समझना है तो कुछ ऐसे समझिए, और यहाँ पे थिकनेस भी आपको पता चल जाएगा, तो मैं पहले थिकनेस की बात कर लूं उसके बाद आपको हम बताते हैं। देखिए ये थिकनेस लिख दिया मैंने, देखिए इसका थिकनेस कितना पतला है। ये कहा जाता है कि एक नारंगी को जब आप छीलते हैं, तो नारंगी का छिलका जितना पतला होता है ना, उतना ही पतला पूरे अर्थ में क्रस्ट है, ठीक है। पूरे नारंगी में, नारंगी का जो ऑरेंज जिसको बोलते हैं, पूरे ऑरेंज में ऑरेंजी का जो छिलका जितना पतला होता है, उतना ही पतला, उतना ही मोटाई क्रस्ट का होता है। तो एवरेज जो थिकनेस है, एवरेज वो है 30 किलोमीटर। कितना है? 30 किलोमीटर। अब एवरेज अगर 30 किलोमीटर है तो इसका मतलब है कि कहीं सबसे ज्यादा होगा और कहीं सबसे कम होगा। मैथ तो यही कहता है एवरेज का मतलब कम और ज्यादा के बीच का कहानी है। तो यानी कि मैक्सिमम थिकनेस कहाँ होगा? तो माउंटेन पे। कितना किलोमीटर होगा? 100 किलोमीटर। मैक्सिमम थिकनेस माउंटेन पे है जो 100 किलोमीटर है, और मिनिमम थिकनेस कहाँ होगा? मिनिमम थिकनेस वो होगा ओशियन पे, ओशियन पे, जो कि 5 किलोमीटर है। कितना है? 5 किलोमीटर। तो ओशियन पे 5 किलोमीटर है और माउंटेन पे कितना है? 100 किलोमीटर है। क्रस्ट के बारे में ये बात हम लोगों ने बताया। अब अगर इसको एक फिगर से समझे तो कुछ इस तरीके से हम समझा सकते हैं। देखिए एक फिगर बना लेता हूं मैं छोटा सा। दूसरा ये समझो, और ये है वाटर, ठीक है। अब यहां से आप कुछ चीजें समझ में आएंगे। सबसे पहले तो पृथ्वी पे सबसे ज्यादा मात्रा में क्या? पानी है। तो पानी आपको समझ में आ रहा है बहुत ज्यादा। अब यहां पे क्रस्ट की देखिए आप थिकनेस, इस जगह पे क्रस्ट की थिकनेस देखो, ठीक है, इस जगह पे और इस जगह पे क्रस्ट की थिकनेस देखो, दोनों जगह क्रस्ट की थिकनेस अलग अलग है ना, तो इसलिए मैक्सिमम और मिनिमम की बात होती है। तो क्रस्ट की थिकनेस मिनिमम कहाँ होगा? ओशियन में। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, ध्यान रखिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, सियाल वाला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, VBI है, ठीक है ना। चलिए थिकनेस की बात कर लिए। अब क्रस्ट के बाद, जब हम क्रस्ट की बात करते हैं तो क्रस्ट के बाद हमारे पास एक लेयर है, और वो लेयर क्या है वो हम आपको बताते हैं। ये लेयर कहलाता है मेंटल। ये यहां से लेके यहां तक का लेयर है और इस लेयर को कहते हैं मेंटल। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मेंटल। दूसरा कलर से जानबूझ के क्या हूं, ठीक है, पहला क्रस्ट है, दूसरा मेंटल है। मेंटल के बारे में बात करें, मेंटल का थिकनेस क्या होगा, यानी कि इसके थिकनेस क्या होंगे?
जब मेंटल की थिकनेस की बात करते हैं तो इसकी थिकनेस है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर यहां पे लिख दिया मैं, यहां पे अच्छे से लिख देता हूं 2900 किलोमीटर। अब यहां पे कोई एवरेज थिकनेस नहीं है और कोई बहुत ज्यादा कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होगा, क्योंकि ये पृथ्वी के अंदर की भाग है तो मैक्सिमम मिनिमम की बात यहां पे नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर यहां पे हम आपको बताते चलते हैं कि जैसे जैसे अंदर की तरफ यानी पृथ्वी में नीचे की तरफ आप जाएंगे तो टेम्परेचर भी बढ़ता जाएगा, प्रेशर भी बढ़ता जाएगा और डेंसिटी भी बढ़ता जाएगा, तीनों चीजें बढ़ती जाएंगी, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए तो इसको आप कर लीजिएगा, वैसे मैं आपको यहां पे बताने वाला जरूर हूं, ठीक है। चलिए, एक अब यहां पर मेंटल का जो पार्ट आप देखते हैं तो मैं एक छोटा सा दूसरे कलर से ले लूं, ये जो पार्ट है यहां पे, ये लगा हुआ पार्ट जिसको हम क्रस्ट से बिल्कुल लगा हुआ पार्ट है जिसको हम अपर मेंटल बोलते हैं, ठीक है, क्रस्ट से लगा हुआ पार्ट है अपर मेंटल बोलते हैं। ये अपर मेंटल दरअसल मोल्टेन स्टेट में है, यानी कि पिघले हुए भाग में है अपर मेंटल। अपर मेंटल क्या है? मोल्टेन स्टेट में है ये अपर मेंटल। तो यहां पे लिख देता हूं अपर मेंटल इज इन मोल्टेन स्टेट, यानी कि पिघला हुआ है, मोल्टेन स्टेट में अपर मेंटल क्या है? मोल्टेन स्टेट में पिघला हुआ भाग है अपर मेंटल, ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया। अब ये पिघला हुआ है इसलिए आप ध्यान दीजिएगा, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर लेता हूं, पिघला हुआ इसलिए ध्यान दीजिएगा कि यहीं से ज्वालामुखी वगैरह वोल्केनो वगैरह ऊपर की तरफ निकलता है, चूंकि ये पिघला हुआ है। और ये जो दोनों पॉइंट है इसको एक और समझ लीजिएगा कि क्रस्ट और अपर मेंटल, अपर मेंटल का ये भाग कहलाता है एस्थेनोस्फीयर, ठीक है। ये जो मैंने येलो कलर से बनाया है यहां चारों तरफ जो कि अपर मेंटल कहलाता है, अपर मेंटल इज कॉल्ड स्थेनोस्फीयर, क्या कहलाता है? स्थेनोस्फीयर। और ये वही पार्ट है जिस पे हैरी हैस साहब ने समझाया था जब हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की बात कर रहे थे कि प्लेटें मूव करती है, या तो एक दूसरे के नजदीक आती है यानी कि कन्वर्जन मोशन है, या फिर डाइवर्जन मोशन यानी कि एक दूसरे के दूर जाती है, प्लेटें मूव करती है, हैरी हैस साहब ने समझाया था। तो ये इसी लेयर पे प्लेटें मूव करती है स्थेनोस्फीयर पे, जो कि मेंटल का सबसे ऊपरी भाग है। और चूंकि जब प्लेटें मूव करती है वहां पे दरारें बनता है तो स्थेनोस्फीयर का जो मोल्टन पार्ट है ऊपर चलाता है जिसको हम वोल्केनो कहते हैं, जहां से लावा मैग्मा निकलता है। तो इसलिए मैंने यहां पे कहा कि ये वोल्केनो यहीं से निकलता है, वोल्केनो यहीं से निकलता है, इस बात को ध्यान रखिएगा, अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मैप बना करके ये यहां पे पॉइंट बना लीजिएगा, अपर मेंटल लिख लीजिएगा। मैंने येलो कलर से अपर मेंटल लिखा है, येलो कलर से यहां पे बनाया भी है। तो अपर मेंटल क्या कहते हैं? स्थेनोस्फीयर। ये किस तरीके का है? पिघला हुआ है, यानी कि मोल्टेन स्टेट में है, पिघला हुआ है, और यहीं से ज्वालामुखी जो लावा और मैग्मा है वो क्रस्ट पे बाहर निकलता है, जैसा कि हमने यहां पे बनाया, देखो ज्वालामुखी बाहर बनाया, वोल्केनो यहां पे लिख दिया है। चलिए ठीक है, अब मेंटल के बारे में अगला पॉइंट क्या कहते हैं कि चूंकि क्रस्ट और मेंटल के बीच में डेंसिटी में डिफरेंसेस है तो यहां पे एक डिसकंटिन्यूटी क्रिएट होती है, उसका नाम है मोहोरोविक डिसकंटिन्यूटी। तो मैं यहां पे लिख देता हूं मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी बिटवीन क्रस्ट एंड मेंटल। मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी किसके किसके बीच में? क्रस्ट और मेंटल के बीच में मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, ठीक है। ये मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी मान के चलो कि ये जो यहां पर क्या बोलते हैं डेंसिटी में चेंज आया तो दैट इज मोहोरोविक डिसकॉन्टिन्यूटी, क्योंकि डेंसिटी में चेंज आ गया तो एक डिसकॉन्टिन्यूटी क्रिएट हो गई। चलिए ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं एक और इसकी क्या बोलते हैं चौड़ाई हो गया। अब हम लोग एक दूसरा बात करते हैं यानी कि कोर के बारे में। तो यहां पे मैं लिख देता हूं कोर, यहां पे लिखता हूं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, यहां लिखता हूं मैं कोर। कोर कोर में हालांकि यहां पे क्या बोलते हैं मेंटल का हम क्या बोलते हैं मेंटल के एलिमेंट के बारे में पहले बात कर लूं हम। मेंटल में जो एलिमेंट पाया जाता है वो होता है सीमा, सीमा, ठीक है, सिलिका और मैग्नीशियम। क्या पाया जाता है? सिलिका और मैग्नीशियम, इसको लिख लीजिए अपने कॉपी में, सीमा, सिलिका और मैग्नीशियम। अब निकोर में आते हैं, कोर में जो एलिमेंट पाया जाता है दैट इज निफे,
NIFE, निकिल और फेरस, निफे निकिल, और हिंदी में इंग्लिश वाले दोनों एक ही तरह लिखेंगे, निफे निकिल और फेरस। अब कोर को आप देखिएगा दो भाग में बांटा हुआ है, दैट इज आउटर कोर एंड इट इज इनर कोर, ठीक है, आउटर कोर और इनर कोर। तो यहां पर भी मैं लिख देता हूं आउटर कोर, ठीक है, आउटर कोर इनर कोर। तो जब हम आउटर कोर की बात करते हैं तो आउटर कोर मोल्टन स्थिति में है या फिर बोल देते हैं कि प्लास्टिक स्टेट में है। आउटर कोर क्या है? प्लास्टिक स्टेट, प्लास्टिक स्टेट का मतलब ये होता है कि थोड़ा सा पिघला हुआ सा है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा एकदम पानी की तरह पिघला नहीं है, थोड़ा सा पिघला हुआ सा है, प्लास्टिक स्टेट में है आउटर कोर, इस बात को ध्यान रखिएगा। और चूंकि वहां के क्या बोलते हैं एलिमेंट क्या होगा, निफे, तो निफे ही है लेकिन पिघला हुआ सा, इस बात को देखिएगा। और जब इनर कोर की बात करते हैं, जो यहां पर मैं लिख देता हूं इनर कोर, तो ये बिल्कुल सॉलिड है, बहुत ज्यादा सॉलिड है। और इनर कोर है या आउटर कोर हो, यहां पर जो एलिमेंट पाया जाएगा वो नीचे ही होगा। तो आप एग्जाम में गलती मत कीजिएगा कि इनर कोर का कुछ और एलिमेंट, आउटर कोर का कुछ और एलिमेंट, और दिमाग लगाना शुरू कर दीजिए। दिमाग लगाना बिल्कुल नहीं है आपको, इनर कोर हो या आउटर कोर हो, यहाँ पे एलिमेंट क्या होगा, नीचे ही होगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो इस ये पॉइंट यहां पर हो गया आउटर कोर, ये इनर कोर हो गया, और ये क्या है, सॉलिड है। चलिए ये सॉलिड है। इनर कोर आउटर कोर दोनों की अगर हम क्या बोलते हैं किलोमीटर की बात कर ले, तो जो आउटर कोर है वो 5150 किलोमीटर का, इनर कोर है 6371। तो ये 5150 किलोमीटर है और 6371 किलोमीटर है इनर कोर। अब 6371 किलोमीटर का मतलब क्या, मतलब ये कि इसको आप अच्छे तरीके से समझिए कि अगर हम इसको दूसरे कलर से ले लेते हैं और पूरा एक बनाते हैं, यहां से लेकर के यहां तक लेके चलते हैं, तो हम कैसे समझते हैं कि इसमें 0 से लेकर के 30 किलोमीटर हमारा क्रस्ट होगा। 30 किलोमीटर क्या होगा, हमारा क्रस्ट होगा। 30 किलोमीटर से 2900 किलोमीटर तक के क्षेत्र में क्या होगा, हमारा मेंटल होगा, हमारा मेंटल होगा। 2900 से 5150 किलोमीटर के क्षेत्र में क्या होगा, हमारा हमारा आउटर कोर होगा। और 5150 से लेकर के और केंद्र तक, यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक कौन सा होगा, हमारा इनर कोर, जो कि 6371 किलोमीटर है। तो कुछ इस तरीके से आप समझने की कोशिश कीजिएगा इसको। हालांकि हमने सबके बारे में लिख दिया है, यहां पर भी किलोमीटर लिख दिया, यहां पर भी किलोमीटर लिख दिया, यहां पर भी लिखा हुआ और यहां पर भी आपका लिखा हुआ है, सबका किलोमीटर लिखा हुआ है। तो एक पॉइंट समझ में आ गया। अब चलिए अब एक और पॉइंट क्या देखते हैं कि जब हम मेंटल से कोर की तरफ आते हैं, यहां पर आइए फिर से देखते हैं एक बार, जब मेंटल से कोर की तरफ आते हैं तो फिर से डेंसिटी में चेंज आता है और फिर से एक डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, क्रिएट हो जाता है। फिर से क्या होती है, डिसकंटिन्यूटी क्रिएट हो जाती है। ये डिसकंटिन्यूटी यहां पर है, एक डिसकंटिन्यूटी यहां पर, तो यहां पर हम लिख देता हूं इस डिसकंटिन्यूटी का नाम क्या है। इस डिसकंटिन्यूटी का नाम है गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी। और ये किसके किसके बीच है, बिटवीन मेंटल एंड कोर, यानी कि कोर और मेंटल के बीच में गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी है, यह बात ध्यान में रखिएगा। मैं फिर से एक बार पीछे नीचे करके इसको लेकर के आता हूं, ठीक है। देखिए गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी यहां पे है बिटवीन मेंटल एंड कोर, गुटेनबर्ग डिसकंटिन्यूटी, समझ में आ रहा है ना। चलिए तो ये डिसकंटिन्यूटी की बात कर लिए, यहां पर भी एक डिसकंटिन्यूटी की बात कर लिए, मोहरोबिक डिसकंटिन्यूटी जो क्रस्ट और मेंटल के बीच में है, बिटवीन क्रस्ट और मेंटल, ठीक है। अब आउटर कोर प्लास्टिक के स्टेट में है, ठीक उसी तरीके से अपर मेंटल प्लास्टिक के स्टेट में है जहां से वोल्केनो बाहर निकलती है, इस बात को समझिएगा। और हैरी हेस का जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके हिसाब से प्लेटें अपर मेंटल पे ही तैरती है, जिसको स्थेनोस्फीयर कहा गया, जो कि बात हमने यहाँ पे लिख दिया है स्थेनोस्फीयर इसको कहा गया है। ये सारी बातें हम लोगों ने यहाँ पे कर लिया है आपको कोर के बारे में, यानी कि पृथ्वी के क्रस्ट के बारे में, ठीक है ना। चलिए तो इसको हम यहाँ पे रोकते हैं, एग्जाम का क्वेश्चन आप सॉल्व कीजिएगा और आपको एकदम आसानी से क्वेश्चन एग्जाम का सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ से छूटेगा नहीं, ठीक है ना। तो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अगर किसी तरह कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट करेंगे तो, और फिर कमेंट का जवाब दीजिएगा, एग्जाम का क्वेश्चन बनाइए, कमेंट कीजिए। अगर किसी तरह का कोई क्वेश्चन नहीं बनता है तो हम उसको जरूर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, आपके साथ हम बने रहेंगे। हम लोग बात करने वाले हैं चट्टान के बारे में, रॉक के बारे में हम लोग बात करेंगे। थोड़ा सा देखिएगा पॉइंट्स को, मैं यहाँ पे शुरू करता हूँ, ठीक है। रॉक्स,
देखिए इससे पहले हम लोगों ने बात किया था इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ के बारे में, जहां पे हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के क्रस्ट पे पाया जाने वाला सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है एविडेंट रूप से वो क्या है, ऑक्सीजन है। और वही बात है यहाँ पे हम थोड़ा सा आपसे बात कर लेते हैं, ठीक है। देखिए जो मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट है, जैसा कि हमने आपको उसमें बताया था मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट, उसमें ऑक्सीजन 47% है, सिलिकॉन 28% है, एल्यूमिनियम 8% है, आयरन 5% है। मेजर रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट्स को मैंने इस तरीके से सजाया है, तो इसको आप ध्यान में आप रखेंगे। ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है रॉक फॉर्मिंग एलिमेंट में, या फिर आपको अर्थ के क्रस्ट पे पाए जाने वाले एलिमेंट में, इस बात को ध्यान में आप रखेंगे। चलिए अब जब रॉक की बात करते हैं तो रॉक मुख्यतः तीन प्रकार के हैं, ठीक है ना। इग्नियस रॉक, रॉक माने चट्टान, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, इग्नियस रॉक को आग्नेय चट्टान बोलते हैं, आग्नेय चट्टान, आग्नेय चट्टान, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान। सेडिमेंट्री रॉक को क्या बोलते हैं, अवसादी चट्टान, और मेटामॉर्फिक रॉक इसको क्या बोलते हैं, कायांतरित या रूपांतरित चट्टान, कायांतरित या आप इसको रूपांतरित, रूपांतरित और कायांतरित में कोई अंतर नहीं है बेटा, ठीक है, रूपांतरित या कायांतरित चट्टान इसको बोलते हैं। तो ये इग्नियस सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक रॉक है। अब तीनों रॉक को थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, मैं फिर से एक छोटा सा फोटो फिगर बनाऊंगा आपके साथ सामने में, और फिर उसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा आप लोग, प्लीज आप मेरे साथ थोड़ा सा बनाने की कोशिश भी कीजिएगा, ठीक है। यहां पर मैं लिखता हूं, चलिए ठीक है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ये इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान है, हिंदी वाले इंग्लिश वाले परेशान नहीं होना, ठीक है, आग्नेय इग्नियस हम बोलते जा रहे हैं तो आप लोग उस हिसाब से अपना करते रहिएगा। ये आग्नेय चट्टान है, ये किस तरीके की चट्टान है और कैसे बनता है, तो देखो हम बताते हैं। ये दरअसल पृथ्वी के अंदर, यानी कि पृथ्वी के अंदर जो लावा या मैग्मा होता है वो पृथ्वी के बाहर चला आता है, या फिर पृथ्वी के अंदर ही जम जाता है, और जब बाहर आके जमे या पृथ्वी के अंदर आके जमे या ठंडा हो, और उससे जो चट्टान का निर्माण हो वो आग्नेय चट्टान होता है। और इसको अगर हम फिगर में देखें तो ये कुछ इस तरीके से है आग्नेय चट्टान का, मान के चलो कि ये एक तरीके की भट्टी है, और ये एक ज्वालामुखी का है, और ये अंदर में ज्वालामुखी है, और ज्वालामुखी बाहर निकल रही है कुछ इस तरीके से, बाहर निकल रही है, बाहर नहीं भी निकल रही है तो अंदर भी है, ठीक है। और दोनों ही स्थिति में ये क्या हो रहा है, ठंडा हो जा रहा है, यानी कि आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, मतलब ठंडा और सॉलिड, आफ्टर कूलिंग एंड सॉलिडिफिकेशन, ठंडा होने और जमने के बाद जो चट्टान का निर्माण होता है वो आग्नेय चट्टान होता है। तो और ये क्या है, ये मैग्मा है, ठीक है, ये क्या है, मैग्मा है, यानी कि मैग्मा के ठंडा होने और जमने से आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। इन चट्टानों का हम एग्जांपल आपको बताएंगे, पहले आप समझ लीजिए अच्छे तरीके से क्या परिभाषा है और किस तरीके से इसका निर्माण होता है। तो पृथ्वी के अंदर निकल जाए, जैसे कि हमने बाहर निकाला, और या पृथ्वी के अंदर ही रह जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, उससे जो चट्टानों का निर्माण होता है वो क्या होता है, वो इग्नियस रॉक होता है। और चूंकि ये चट्टान पृथ्वी के बाहर आती है और जमने के बाद बनता है या अंदर में भी, तो ये चट्टान थोड़ा दानेदार होता है, ग्रैनुलर होता है, कैसा होता है, दानेदार होता है, ग्रैनुलर होता है। और इस चट्टान में चूंकि ये मैग्मा से बना चट्टान है, तो इस चट्टान में जीवाश्म नहीं होगा, नो फॉसिल, इस चट्टान में जीवाश्म नहीं होगा, कोई फॉसिल नहीं होगा, कोई जीवाश्म इस चट्टान में नहीं होगा। हालांकि ये सारी चीजें आप लिख सकते हैं, लिखा हुआ भी आपको मिलेगा, तो आप उसको रिवीजन कर लीजिएगा। तो नो फॉसिल्स, कोई जीवाश्म इस चट्टान में नहीं पाया जाएगा, इस चट्टान में कोई लेयर नहीं होगा, यानी कि हैव नो लेयर, कोई लेयर नहीं होगा, नो लेयर, इस चट्टान में किसी तरह का कोई अस्तर ही नहीं मिलेगा, कोई अस्तर नहीं मिलेगा, कोई लेयर नहीं मिलेगा। हाँ एक पॉइंट जरूर है कि इस चट्टान को पैरेंट रॉक कहा जाता है, पैरेंट रॉक, कॉल्ड पैरेंट रॉक,
पेरेंट रॉक जरूर इस चट्टान को आ जाता है। कभी एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप जरूर इसको बनाएंगे कि चट्टान को क्या कहते हैं, तो पेरेंट रॉक कहते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि बाकी सारे चीजें इसी से बनते हैं और खास करके बाकी सारे रॉक में इसके बनाने की प्रक्रिया इसका सॉरी योगदान है बाकी दूसरे रॉक को बनाने में। लेकिन जब हम साइकिल ऑफ रॉक पढ़ते हैं कि किस तरीके से चट्टानों का निर्माण किया है, तो एक पूरा का पूरा साइकिल बन जाता है, वो भी हम आपको यहाँ पे बना करके जरूर बताएंगे। लेकिन पहले हम एक एक चट्टान को आपको समझा लेते हैं। उसके बाद आग्नेय चट्टान की बात जब हम कर लिए तो आग्नेय चट्टान, अब चूंकि आग्नेय चट्टान की बात कर लिए और ये क्या क्या है, आफ्टर कूलिंग सॉलिडिफिकेशन ग्रैनुलर नो फॉसिल नो लेयर और पेरेंट रॉक भी कहा जाता है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, दूसरा एक चट्टान हमारे पास में है वो है सेडिमेंट्री चट्टान। तो सेडिमेंट्री करते हैं हम यहाँ पे सेडिमेंट्री रॉक। यानी कि अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी। दूसरा क्या है, अवसादी। अब नाम से आपको पता चल रहा होगा कि अवसादी चट्टान है, तो अगर नाम से पता चल रहा है तो हम इसको क्या कर सकते हैं कि यहाँ पे छोटा सा पॉइंट मैं आपको बना दूं और दिखाता हूं कि कैसे ये बनता है अवसादी चट्टान। तो देखिए क्या होता है कि चाहे वो आग्नेय चट्टान हो चाहे मेटामॉर्फिक हो, यानी कि आग्नेय चट्टान हो या रूपांतरित चट्टान हो, उसके टूटने फूटने और एक जगह जमा होने से जो चट्टान का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टान है। मैं फिर से बताऊं कि इग्नियस रॉक हो या मेटामॉर्फिक रॉक हो, उसके टूटने फूटने और एक जगह जमा होने से जिस चट्टान का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टान है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। साथ ही साथ फॉसिल्स के, यानी कि पेड़ पौधे जानवर वगैरह फॉसिल्स के भी एक जगह जमा होने से जिस तरह के चट्टान पृथ्वी के अंदर जमा हो जाते हैं और जिस तरह के चट्टानों का निर्माण होता है वो भी क्या कहलाता है, अवसादी चट्टान। तो हम अवसादी चट्टान के बारे में क्या लिख सकते हैं, मैं आपको बनाता हूं। देखो ये आग्नेय चट्टान है, ये आग्नेय चट्टान है और ये टूट फूट करके एक जगह जमा हुआ, इकट्ठा हुआ। अब ये कैसे इकट्ठा होगा ये बात आपको हम बता रहे हैं कैसे इकट्ठा होगा। इसके इकट्ठा होने के कारण होते हैं रिवर्स, इसके इकट्ठा होने के कारण होते हैं विंड, हवा, ठीक है, रिवर्स, विंड, ये सब क्या है, ये कैरी करने का साधन है, ठीक है ना, एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का साधन है, कैरी करने का, ठीक है। तो आफ्टर डिपोजिशन, यानी कि पहले तो आफ्टर इरोजन एंड डिपोजिशन, इरोजन किसका, आग्नेय का और मेटामॉर्फिक का भी, तो मैं मेटामॉर्फिक भी यहां पर बना दूं, ठीक है, मेटामॉर्फिक लिख देता हूं, यानी कि रूपांतरित, ठीक है, रूपांतरित चट्टान का भी बात कर लेते हैं यहां पे थोड़ा सा। तो इन सब के यहां पे कैरी होने से और एक जगह जमा होने से जिस तरह के चट्टान का निर्माण होता है उसको अवसादी चट्टान कहते हैं, ठीक है, एक तरह के चट्टान का निर्माण होता है उसको क्या कहते हैं, अवसादी चट्टान। तो आप क्या करेंगे कि आग्नेय चट्टान और मेटामॉर्फिक चट्टान दोनों के टूटने फूटने से जिस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टान कहलाते हैं। मैं यहां पे लिख देता हूं अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान, और ऊपर मैं मिटा देता हूं। चलिए ठीक है ना, पॉइंट समझ में आ गया। चलिए साथ ही साथ यहां पे एक बार ध्यान रखिएगा, जीवाश्मों के भी, यानी कि मैं यहां पे जीवाश्म लिख देता हूं, जीवाश्म। अब जीवाश्म में पेड़ पौधे और जानवर जो भी हो, जीवाश्मों के भी एक जगह इकट्ठा होने, यानी जिसको फॉसिल्स कहते हैं, एक जगह इकट्ठा होने से जो जिस तरीके की चट्टानों का निर्माण होता है वो अवसादी चट्टान है। तो क्या हो गया, आग्नेय चट्टान से, रूपांतरित चट्टान से और जीवाश्मों से, सबसे टूट फूट करके जो एक जगह जमा होगा वो अवसादी चट्टान है। तो अगर यहां पे एक जगह जमा होकर के इकट्ठा होकर के चट्टान का निर्माण बनता है तो इसका मतलब है कि अवसादी चट्टान में क्या क्या पॉइंट होगा वो देखिए, इसमें लेयर होंगे यानी कि स्तरी होगा, इसमें जीवाश्म होंगे, इसमें फॉसिल्स होंगे। आपने आग्नेय में क्या देखा था, कोई लेयर नहीं, कोई फॉसिल्स नहीं, ठीक है ना, तो लेकिन इसमें लेयर भी है और फॉसिल्स भी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो ये अवसादी चट्टान है। और जब अवसादी चट्टान की बात से बात करते हैं मेटामॉर्फिक, यानी कि तीसरे चट्टान में, मेटामॉर्फिक चट्टान क्या है कि, चलो ये तो यहां पर इस तरीके से मैं कर देता हूं,
ठीक है। अब मेटामॉर्फिक चट्टान की बात करते हैं। जब मेटामॉर्फिक चट्टान की बात करते हैं तो मैं एक उल्टा चलाता हूं, या तो अवसादी चट्टानों के, यानी मेटामॉर्फिक चट्टान का मतलब ये होता है कि ओरिजिनल जो पुराना चट्टान है उसमें चेंज आ गया है। क्यों चेंज आ गया है? प्रेशर और हीट के कारण, ताप और दाब के कारण, ताप और दाब के कारण पुराने चट्टान जो पहले से एग्जिस्टिंग रॉक है उसमें चेंज आ गया। कैसा चेंज? उसके क्या बोलते हैं, नेचर में चेंज आ गया, उसके कलर में चेंज आ गया, उसके हर चीज में चेंज आ गया है। तो पहले से मौजूद चट्टान में चेंज आना, जैसे चूना पत्थर संगमरमर में चेंज हो रहा है, यानी कि लाइम स्टोन चेंज किसमें हो रहा है? मार्बल में। तो चूना पत्थर का संगमरमर में चेंज हो जाना मेटामॉर्फिक चट्टान है, यानी कि संगमरमर एक तरीके का मेटामॉर्फिक चट्टान है, जबकि चूना पत्थर कौन सा चट्टान है? अवसादी चट्टान है। मैं एग्जाम्पल से बात कर रहा हूं। तो प्री एग्जिस्टिंग रॉक, यानी पहले से सब कुछ लिखा हुआ मिल जाएगा, परेशान नहीं होना। प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से मौजूद चट्टान के रूप में परिवर्तन हो जाना ताप और दाब के कारण मेटामॉर्फिक चट्टान है। अब पहले से जो मौजूद चट्टान है वो अवसादी भी हो सकता है और वो आग्नेय यानी कि इग्नियस भी हो सकता है। तो इसको भी यहां पे कर देता हूं, यानी कि अवसादी भी हो सकता है और इग्नियस भी हो सकता है, दोनों चट्टाने हो सकते हैं जो पहले से मौजूद चट्टानों के रूप में परिवर्तित हो सकती है। ठीक है ना, ध्यान में आ गया ना? तो ध्यान रखिएगा, मेटामॉर्फिक चट्टान का मतलब यह होता है कि पहले से मौजूद चट्टानों के रूप में परिवर्तन ताप और दाब के कारण अगर जो होता है वो चट्टान जो बन के निकलता है वो मेटामॉर्फिक चट्टान है। ये एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, जब चट्टान के साइकिल की बात करते हैं तो यहां पर मैं आपको एक साइकिल बनाया हूं, ध्यान दीजिएगा, मैंने एक साइकिल बनाया है और इस साइकिल को अगर आप समझ सके एरो से तो आप समझ लीजिए कैसे बनाया है। वो देखिए, पहले आग्नेय चट्टान लिया और आग्नेय के टूट फूट से अवसादी बनाया, फिर हमने क्या लिया, मेटामॉर्फिक चट्टान लिया और मेटामॉर्फिक के टूट फूट से अवसादी बनाया। देखो येलो कलर का जो एरो है, येलो कलर का एरो है, ठीक है ना, समझ में आ गया। उसके बाद हम क्या देख रहे हैं कि ब्लू कलर के एरो से हमने मेटामॉर्फिक बनाया, ब्लू कलर के एरो से मेटामॉर्फिक, अवसादी से मेटामॉर्फिक की तरफ गए, और फिर आग्नेय चट्टान के ब्लू कलर का एरो, ग्रीन कलर का मत देखना, ब्लू कलर के एरो से हमने मेटामॉर्फिक बनाया, यानी आग्नेय और अवसादी दोनों चट्टानों के रूप में परिवर्तन से मेटामॉर्फिक बनता है। ठीक है, चलिए अब मेटामॉर्फिक में आप देखिए कि मेटामॉर्फिक के ग्रीन कलर के एरो से आप क्या देख रहे हैं कि वही चट्टान अगर फिर पृथ्वी के अंदर में जमा हो गया और समय के साथ वो पिघल गया तो वो चट्टान क्या बन जाएगा? आग्नेय बन जाएगा। समझ में आ गया। फिर उसी तरीके से मेटामॉर्फिक चट्टान से क्या बन जाएगा? अवसादी, टूटने फूटने से। और फिर वही अवसादी चट्टान अगर पृथ्वी के अंदर जमा रह गया तो मोल्टे हो जाएगा, पिघल जाएगा और फिर क्या बन जाएगा? आग्नेय चट्टान। तो मैं फिर से इसको भी ग्रीन कलर से दिखा दूं, देखो तो ये साइकिल है, ये क्या है? साइकिल है। इस साइकिल को अच्छे तरीके से समझ लीजिए, यानी कि अवसादी चट्टान से, सॉरी आग्नेय चट्टान जिसको हम पेरेंट रॉक भी कहते हैं, आग्नेय चट्टान से अवसादी चट्टान बना और अवसादी मेटामॉर्फिक चट्टान से भी अवसादी चट्टान बना, खास और जीवाश्म से भी अवसादी चट्टान बना, हो गया पॉइंट। फिर अवसादी चट्टान से मेटामॉर्फिक चट्टान बना, क्योंकि मैंने एग्जाम्पल दिया लाइम स्टोन से संगमरमर, ठीक उसी तरीके से इग्नियस से मेटामॉर्फिक चट्टान बना, फिर इग्नियस पिघल करके और आग्नेय चट्टान बनाया, उसी तरीके से अवसादी चट्टान भी पिघल करके आग्नेय चट्टान बनाया। तो ये एक साइकिल है जिसको आप अच्छे तरीके से समझिएगा, ठीक है ना, एक पूरा का पूरा साइकिल है, मेरे पूरे वीडियो को अच्छे तरीके से सुन लीजिएगा। और जो लिखा हुआ पॉइंट है जो मैंने आपको समझाया है वो यहां पे हम आपको लेके आते हैं और एक चट्टान के कुछ एग्जाम्पल वगैरह भी आपको हम बताते हैं। चलिए, तो ये हो गया। अब देखिए, हमने क्या बताया था यहां पे कि इग्नियस रॉक क्या है? फॉर्म्ड बाय कूलिंग सॉलिडिफिकेशन एंड क्रिस्टलाइजेशन ऑफ हॉट एंड मोल्टन मैग्मा, मोल्टन मैग्मा के ठंडा होने और सॉलिड होने से इग्नियस रॉक का निर्माण हुआ है। ये ग्रेनुलर होगा, ग्रेनुलर का मतलब दानेदार, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होना है, ग्रेनुलर का मतलब दानेदार, ठीक है, पेरेंट रॉक है, ये बात हमने बताया। उसके बाद हमने बताया कि नो लेयर, कोई अस्तर नहीं है, अस्तरहीन होगा, कोई लेयर नहीं है। फिर हमने क्या बताया, फॉसिल्स नहीं पाए जाएंगे, यानी कि जीवाश्म नहीं होगा, जीवाश्म नहीं होगा। फिर हमने आपको कहा था कि क्रस्ट के 90% भाग इसी प्रकार के चट्टान से बना है। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ग्रेनाइट, वेसाल्ट, डोलेराइट, मैग्नेटाइट, गैब्रो,
एंडेसाइट, ये सारे इग्नियस रॉक के चट्टान है। आप इग्नियस रॉक में इस एग्जाम्पल को जरूर रखिएगा। देखिए कुछ जो टॉपिक होते हैं ना वो अपने एग्जाम्पल के वजह से चलते हैं, ये एग्जाम्पल के वजह से इस पूरे टॉपिक को पढ़ाया जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक उसी तरीके से वोल्केनो भी एग्जाम्पल के वजह से पढ़ाया जाता है, क्योंकि एग्जाम्पल से ही क्वेश्चन आते हैं। तो यहाँ पे ग्रेनाइट, बेसाल्ट, डोलराइट, मैग्नेटाइट, गैब्रो, एडेनसाइट जैसे चट्टान जो है ना कौन सा है, इग्नियस है। ठीक है ना। अब आप बोलिएगा सर दूसरा एग्जाम्पल आ गया तो मोस्ट प्रोबेबिलिटी जो यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आया है वो ग्रेनाइट और बेसाल्ट सबसे ज्यादा पूछे गए हैं, सबसे ज्यादा पूछे गए हैं। और भी चट्टानों में अगर बात करें तो सबसे ज्यादा सेडिमेंट्री चट्टान से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, अवसादी चट्टान से सबसे ज्यादा। तो उस बात को भी ध्यान रखिएगा, उसके भी एग्जाम्पल हमारे पास बहुत ज्यादा है। अब सेडिमेंट्री रॉक यानी कि अवसादी चट्टान के बारे में बात करते हैं। हमने क्या कहा अवसादी चट्टान में कि रॉक्स फॉर्म ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ ड्यू टू द इरोजन यानी कि अपरदन के कारण एंड डिपोजिशन एक जगह इकट्ठा होने के कारण। हमने क्या कहा अपरदन हुआ और एक जगह इकट्ठा हुआ, अपरदन हुआ एक जगह इकट्ठा हुआ, इकट्ठा कौन करेगा, नदियां इकट्ठा करेंगी, हवा इकट्ठा करेगी, ये कैरी करने के साधन होते हैं। तो टूटना और एक जगह इकट्ठा होने से किसके, इग्नियस रॉक के, मैंने कहा इग्नियस रॉक के टूटने फूटने से, मेटामॉर्फिक रॉक के, मेटामॉर्फिक रॉक के भी टूटने फूटने से, और फॉसिल्स जीवाश्मों किसके भी इकट्ठा होने से इस तरह के चट्टान का निर्माण होता है। ये सारी बात हमने आपको बताया था। तो हमने आपको बताया कि इसमें लेयर होंगे क्योंकि लेयर बाय लेयर आके जमा होता है, परत जमा होता है ना हवा के द्वारा या नदी के द्वारा, तो लेयर जमा होते हैं, इसमें फॉसिल्स भी होते हैं, इसमें जीवाश्म भी होगा, ये भी बात है। और इसका एग्जांपल सबसे इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन एग्जांपल से सबसे ज्यादा आता है। कौन-कौन सा एग्जांपल, देखो सैंडस्टोन बालू पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट क्ले रॉक, ठीक है जिससे आप खेलते क्ले मिट्टी, सेल, सेल, सेल अगर आपने नहीं देखा तो सेल, स्लेट, अगर बचपन में आपने स्लेट से लिखा है, पत्थर वाली स्लेट से, तो वो अवसादी चट्टान है। ठीक है, लोयस, लोयस सबसे एग्जांपल एग्जाम में बहुत बार पूछा है, लोयस के मैदान, लोयस का मैदान कहां पाया जाता है, चीन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है इसलिए मैंने यहां पे लिख दिया है, आप भी अपने कॉपी में कर लीजिए, लोयस का मैदान कहां पाया जाता है, चीन में। ठीक है, लाइमस्टोन चूना पत्थर जो कि मैंने बताया कि मार्बल में बदल हो जाता है, कोल, कोयला, कोयला आप जानते हैं सबसे ज्यादा यूज होने वाला, और कोयला जीवाश्म ईंधन है, ये भी बात आप जानते हैं। ठीक है ना, चौक, चौक रॉक, जो चौक जिससे खल्ली, जिसे हम बचपन में वास्तु साहब बोर्ड पे पढ़ाते थे चौक से, तो चौक, जिप्सम, सॉल्ट रॉक, सॉल्ट रॉक। ठीक है, तो ये सारे एग्जांपल है आपके सेडिमेंट्री रॉक के, अवसादी चट्टान के। आप अपने कॉपी में एग्जांपल जरूर लिख लीजिएगा, ये पूरा टॉपिक एग्जांपल बेस्ड है, एग्जांपल से ही क्वेश्चन एग्जाम के आते हैं इस वजह से। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं सेडिमेंट्री के बाद मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है ना, अब मेटामॉर्फिक रॉक के बारे में हमने क्या बताया था कि वो कंप्लीट अल्टरेशन एंड अपीयरेंस इन द कंसिस्टेंसी ऑफ प्री एग्जिस्टिंग रॉक, पहले से मौजूद चट्टान में कंप्लीट अल्टरेशन होता है, एकदम बदलाव आ जाता है, किसमें, अपीयरेंस में भी, रूप में भी, और कॉन्स्टिट्यूशन कंपोजिशन में भी, उसके बनावट में भी। ठीक है ना, चलिए किसके द्वारा, तो टेम्परेचर और प्रेशर के द्वारा। अच्छा यहाँ पे क्वेश्चन एग्जाम का आया है, क्या आया है कि मेटामॉर्फिक रॉक को बनाने में सबसे ज्यादा योगदान किसका है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का, टेम्परेचर, ताप और दाब का। ऑप्शन में टेम्परेचर और प्रेशर एक साथ ही देंगे, ठीक है, ताप और दाब, तो उसी को टिक करके आइएगा। चलिए आगे, अब अगला पॉइंट है कि इस चट्टान का हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पे एग्जाम्पल लेने का तरीका थोड़ा सा अलग है, जिसको बड़े गौर से देखिएगा। तरीका क्या अलग है इसमें कि हम पहले वाले में लिखे हैं चट्टान का नाम और दूसरे वाले में लिखे हैं कि वो चेंज होके क्या बनता है, यानी कि दूसरा जो लिखा हुआ है ना ये सब मेटामॉर्फिक है। ये दूसरा जो चट्टान यहाँ पे लिखा हुआ है, दूसरा मैं यहाँ पे येलो कलर से कर दूं, ये दूसरा चट्टान जो है ना ये मेटामॉर्फिक चट्टान है और पहला चट्टान जो है ना वो ओरिजिनल चट्टान है, यानी कि प्री एग्जिस्टिंग चट्टान है। तो देखते हैं कि क्या होता है, सेल स्लेट भी बन जाता है, सेल, सेल चट्टान जो आपने अवसादी चट्टान के रूप में पढ़ा था, ये क्वेश्चन एग्जाम में सेल से पूछा है, वीवीआई है कि सेल किस प्रकार का चट्टान है, तो अवसादी है। तो सेल किस में चेंज हो जाएगा, स्लेट में, फिर स्लेट। अब देखो यहाँ पे पॉइंट क्या है, एक तो अवसादी चट्टान मेटामॉर्फिक बन रहा है और मेटामॉर्फिक भी मेटामॉर्फिक बन रहा है, यानी कि उसमें भी और चेंजेज आ रहे हैं। तो स्लेट किस में चेंज हो रहा है, फाइलाइट में। लाइमस्टोन यानी कि चूना पत्थर किस में चेंज हो रहा है, मार्बल में। ठीक उसी तरीके से जो चौक रॉक है, चौक जिसे हमने खल्ली जिसको बोला था, लिखा था बचपन में मास्टर साहब ने, चौक रॉक भी मार्बल में चेंज होता है, चौक रॉक भी किस में चेंज होता है, मार्बल में। तो उस पॉइंट को लिख लीजिएगा अपने कॉपी में। सैंडस्टोन बालुई पत्थर किस में चेंज होता है, क्वार्ट्जाइट में, बालुई पत्थर क्वार्ट्जाइट में। ग्रेनाइट किस में चेंज होता है, नीस में। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है,
ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है, ग्रेनाइट किसमें चेंज होता है, नीस में। वैसाल्ट किसमें चेंज होता है, सिस्ट में। और गैब्रो किसमें चेंज होता है, सर्पेंटाइन में। तो ये जो दूसरा वाला है ना, जो येलो कलर से मैंने घेर दिया है, ये दरअसल मेटामॉर्फिक है और पहला वाला प्री एग्जिस्टिंग है। तो यहाँ पे जो एग्जाम्पल बनाने का मेरा तरीका यह है कि आप पहले ये जाने कि प्री एग्जिस्टिंग रॉक क्या था और किसमें वो चेंज हुआ। जैसे कि सैंड स्टोन क्वार्टजाइट में चेंज हो रहा है और ग्रेनाइट नीस में चेंज हो रहा है, और उसी तरीके से और भी एग्जाम्पल है। ठीक है, तो ये पॉइंट है। अब आप कहेंगे कि और एग्जांपल होना चाहिए, जब एग्जांपल बेस्ड ये पूरा का पूरा टॉपिक है तो एग्जांपल और होना चाहिए। तो मैं आपको बता दूं कि आप अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करें, इससे बाहर आपको नहीं मिलेगा, और उससे ज्यादा ही एग्जांपल हमने इसमें रखा है, तो आगे भी आपको इससे ज्यादा बाहर जाने की कोई संभावना नहीं है। ठीक है ना, तो इसको आप बिल्कुल इत्मीनान रखेंगे, बिल्कुल इत्मीनान से बनाइए। और अगर कोई ऐसा बाहरी एग्जांपल आ भी जाता है तो इतने सारे एग्जांपल्स आपके आप कैरी करके एग्जाम तक जाएंगे कि ऑप्शन से आप उसको टिक कर लेंगे। तो ये था हमारा रॉक के बारे में पॉइंट, और हमने रॉक के साइकिल को भी आपको बताया था, रॉक साइकिल को भी हमने आपको यहाँ पे बताया कि किस तरीके से चेंज होता है, आग्नेय चट्टान अवसादी में, मेटामॉर्फिक चट्टान अवसादी में, फिर अवसादी आग्नेय में, मेटामॉर्फिक आग्नेय में, ये किस तरीके से यह सारे चेंजेज होते हैं, ये बात भी हमने आपको यहाँ पे बताया है। तो इसको भी आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा एक साइकिल की तरह, और अलग अलग कलर के एरो का अलग अलग मायने है, अलग अलग मतलब है। ठीक है ना, ये बात हमने आपको बता दिया है। अर्थक्वेक के बारे में, भूकंप के बारे में बात करेंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। भूकंप के बारे में कुछ कुछ पॉइंट्स ने हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में बोलूंगा, ठीक है, तो आप उसको हिंदी में कर लीजिएगा। भूकंप के बारे में जो पॉइंट लिखा वो कुछ इस तरीके से है कि स्टडी ऑफ अर्थक्वेक्स क्वेक इज कॉल्ड सिस्मोलॉजी, यानी कि जो भूकंप का अध्ययन है उसको सिस्मोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भूकंप के अध्ययन को सिस्मोलॉजी कहा जाता है। और जिस जगह पे दूसरा पॉइंट है, जो इंग्लिश वाले बच्चे यहाँ पे देख करके छाप लेंगे और हिंदी वाले बच्चों को मैं बोल भी देता हूँ और समझा भी देता हूँ, जिस जगह पे भूकंप का ओरिजिन होता है यानी कि उत्पत्ति होती है, जिस जगह पे भूकंप ओरिजिन होता है, उत्पत्ति होता है, उस जगह को कहते हैं फोकस। और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया है और बच्चे ईपी सेंटर टिक करके आए भी हैं, ध्यान रखिएगा, बच्चे ईपी सेंटर टिक करके आए हैं और ये गलत है। ईपी सेंटर वैसा जगह होता है जहां पे पहली बार भूकंप को महसूस किया जाता है, ओरिजिन का सेंटर नहीं है, पृथ्वी के धरातल पर जहां पहली बार भूकंप को महसूस किया जाता है वो ईपी सेंटर कहलाता है, अधिकेंद्र कहलाता है। लेकिन जहां भूकंप ओरिजिन होता है वो फोकस कहलाता है, ये ओरिजिन का पॉइंट है। ठीक है, ध्यान में आप रखिएगा, और मैं मैप में भी आपको दिखाऊंगा, फिगर बनाकर के अच्छे से दिखाऊंगा जो भी पॉइंट मैंने यहाँ पे समझाया है उसको। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। भूकंप को जो मापने का इंस्ट्रूमेंट होता है, भूकंप के मापने का जो इंस्ट्रूमेंट है वो है सिस्मोग्राफ, यानी कि भूकंप मापी यंत्र को सिस्मोग्राफ कहा जाता है। भूकंप मापी यंत्र को क्या कहा जाता है, सिस्मोग्राफ। ये बात हमने यहाँ पे लिखा है, द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ अर्थक्वेक इज कॉल्ड सिस्मोग्राफ। अब चलिए आगे बात करते हैं। अगला पॉइंट यहाँ पर यह है कि भूकंप को मेजर करने के लिए जो स्केल का प्रयोग होता है वो कौन सा है। देखो यहाँ पे क्या है, इंस्ट्रूमेंट है, चीजों को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट है, इंस्ट्रूमेंट, और ये स्केल है, स्केल, ठीक है, ये स्केल है। तो जो स्केल का प्रयोग होता है मेजरमेंट ऑफ अर्थक्वेक, उस वो स्केल मुख्य रूप से दो प्रकार के स्केल का प्रयोग होता है, मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल। तो इंस्ट्रूमेंट और स्केल में तो सबसे पहले आप अंतर समझ लीजिए। इंस्ट्रूमेंट समझ लीजिए कि एक तरीके का कोई डब्बा है, और स्केल उसका सॉफ्टवेयर है। इंस्ट्रूमेंट एक फोन है और स्केल उसका सॉफ्टवेयर है। मान के चलो कि आपके पास सैमसंग का फोन है और उसमें एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम, वही कहानी यहाँ पर है। तो इंस्ट्रूमेंट एक डब्बा है, एक इंस्ट्रूमेंट है जिसमें स्केल सॉफ्टवेयर के रूप में मार्केली और रिएक्टर स्केल का प्रयोग किया जाता है। और ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया है तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में क्या आया है वो हम आपको बता दें। तो मार्केली स्केल के बारे में क्वेश्चन आया है कि ये कितने यूनिट में डिवाइड है, तो 12 यूनिट में। मार्केली स्केल को कितने यूनिट में डिवाइड करते हैं, 12 यूनिट में। और रिएक्टर स्केल के बारे में आया कि कितने यूनिट में है, तो 0 से 9 यूनिट, 0 से शुरू होता है 9 यूनिट तक, यानी कि ये टोटल 10 यूनिट में डिवाइड है, लेकिन 0 to 9 कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है तो इसको एकदम बिल्कुल ध्यान में आप बना करके रखिएगा कि ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में, आगे भी आएंगे मार्केली स्केल और रिएक्टर स्केल के बारे में। चलिए ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। अगला पॉइंट हम आपको बता देते हैं कि अर्थक्वेक के कारण क्या होता है, क्या ऐसा कारण होता है जिससे पृथ्वी पे भूकंप आता है, अर्थक्वेक आता है।
तो कुछ नेचुरल कॉज है यानी कि कुछ प्राकृतिक कारण है, और कुछ आर्टिफिशियल कॉज है यानी कि कुछ क्या बोलते हैं मानवीय कारण है। जब नेचुरल कारण की बात करते हो तो प्लेट टेक्टोनिक है, वोल्केनो है, ये सारे नेचुरल कारण है। लेकिन जब मानवीय कारण की बात करते हैं तो कंस्ट्रक्शन वर्क जो करते हैं हम लोग, खास करके पहाड़ों पे क्या बनाते हैं, डैम बना देते हैं, रिजर्वियर बना देते हैं, पूल बना देते हैं, यहाँ पे ओवरब्रिज में कह सकता हूं, ठीक है, ओवरब्रिज बना देते हैं, अंडरपास बना देते हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं अंडरपास। बहुत सारे कंस्ट्रक्शन होते हैं, ऐसा नहीं है कि मैंने दो लिखा तो दो ही है, ओवरब्रिज बन जाता है, अंडरपास बन जाता है। इन सब चीजों से क्या होता है कि भूकंप आने की संभावना थी। क्यों होता है? क्योंकि जब कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा होता है तो जो पहाड़े हैं वो हिलती डुलती हैं और फिर वहां से स्लाइडिंग होता है और वो भूकंप का कारण बनता है, ठीक है। ठीक उसी तरीके से न्यूक्लियर टेस्ट, अब आप जानते हैं कि परमाणु का जो परीक्षण होता है वो कितना बड़ा न्यूक्लियर टेस्ट, कितना बड़ा भूकंप का कारण बनता है। हमारे यहाँ भी जो परमाणु परीक्षण हुआ था उसमें 5.4 रिएक्टर स्केल का भूकंप आया था, ठीक है। माइनिंग एक्टिविटी, ये भी भूकंप का कारण होता है। तो कुछ मानवीय कारण होते हैं जिससे भूकंप आता है और कुछ नेचुरल कारण होते हैं जिससे भूकंप आता है, तो इस बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। दो पॉइंट फिर से एग्जाम का क्वेश्चन यहां पे मैं ऐड कर रहा हूं, इसको देख लीजिएगा और बड़ा इंपॉर्टेंट है, जहां पे एग्जाम का क्वेश्चन कह रहा हूं ना उसको आप जरूर एकदम बिल्कुल ध्यान से देखेंगे। सुनामी आप जानते हैं कहां आता है, तो सुनामी समुद्रों में आता है, ये बात आपको पता है कि सुनामी कहां आता है, समुद्र में आता है। और जब सुनामी समुद्र में आता है तो सुनामी के आने का कारण क्या होता है, तो अर्थक्वेक होता है सुनामी के आने के कारण। किसी भी हिसाब से कभी भी कोई भी ऑप्शन बने, किसी हिसाब से आप गलत मत कीजिएगा, सुनामी के आने का कारण अर्थक्वेक ही होता है, तो अर्थक्वेक होता है, इस बात को समझ लीजिएगा। और ड्यूरिंग अर्थक्वेक ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार आ गया है कि कौन से गैस का वातावरण में अधिकता हो जाती है, जब अर्थक्वेक होता है तो उससे पहले कौन सा गैस वातावरण में अधिक मात्रा में मिलते हैं, तो रेडॉन गैस। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि रेडॉन गैस की अधिकता हो जाती है वातावरण में अर्थक्वेक से पहले, अर्थक्वेक से पहले, ठीक है। तो ये एग्जाम का क्वेश्चन मैंने बहुत सारे कर लिया, सिस्मोलॉजी फोकस की बात कर लिए, एपिसेंटर सिस्मोग्राफ और मार्किली रिएक्टर और रिएक्टर स्केल की बात कर लिए, सुनामी रेडॉन गैस और भूकंप के कारण की बात कर लिए। अब हम जरा देखते हैं कि भूकंप को हम किस तरीके से फिगर से समझते हैं, उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल वही फिगर बनाएंगे जो हम लोगों ने क्या बोलते हैं अर्थ के इंटीरियर को समझने में बनाया था, वही फिगर को हम यहाँ पे बनाने वाले हैं, तो थोड़ा सा समझिएगा आराम से। ये जानते हैं ये क्रस्ट है, आपको पता है, ठीक है। और ये जो दूसरा बनाया तो ये क्या है, मेंटल है। और यहां पर जो मैंने बनाया तो ये आउटर कोर है और इनर कोर है। ये बात चूंकि आप पढ़ चुके हैं तो इसको बार बार बताने की जरूरत नहीं है कि ये पढ़ चुके हैं आप, इस वजह से मैं ये बात कर रहा हूं। तो आप जरा बनाते हैं यहाँ पे पॉइंट, क्या बनाते हैं देखिए, सबसे पहले पॉइंट क्या है कि ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक। तो जब ओरिजिन ऑफ अर्थक्वेक की बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं या तो मेंटल में या क्रस्ट के आसपास कहीं भी ओरिजिन हो सकता है, ठीक है, मेंटल में या क्रस्ट के आसपास कहीं भी ओरिजिन। तो ये ओरिजिन है, ये ओरिजिन है, और इस ओरिजिन को क्या कहा जाता है, इसका नाम है फोकस। तो ये ओरिजिन है और इसको फोकस कहा जाता है, और फोकस के ठीक परपेंडिकुलर में, फोकस के ठीक परपेंडिकुलर में अर्थ के क्रस्ट पे जहां पे सबसे पहले भूकंप को महसूस किया जाता है वो बिंदु एपिसेंटर कहलाता है, वो बिंदु क्या कहलाता है, एपिसेंटर कहलाता है। यानी कि फोकस के ठीक परपेंडिकुलर में अर्थ के क्रस्ट पे, ध्यान रखिएगा ये फोकस है और ये अर्थ का क्रस्ट है, इसके परपेंडिकुलर में अर्थ के क्रस्ट पे जो महसूस किया जाने वाला जगह उसको क्या कहते हैं, ईपी सेंटर। वो बात हमने वहां पे बताया है, आपको सिर्फ फिगर में बता रहे हैं, ईपी सेंटर, ये समझ में आ गया। अब यहाँ पे भूकंप के वेव की बात करते हैं यानी कि उसके तरंगों की बात करते हैं। तो जब तरंगों की बात करते हैं तो भूकंप में तीन तरंगे मुख्य रूप से होता है, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। एक होता है पी वेव जिसको प्राइमरी वेव भी बोलते हैं, दूसरा होता है एस वेव जिसको सेकेंडरी वेव भी कहते हैं, और तीसरा होता है एल वेव जिसको सरफेस वेव या लॉन्ग वेव भी बोलते हैं। तो हम इस तीनों वेव को आपको बताते हैं और आप तीनों वेव के बारे में डिस्क्रिप्शन अच्छे से बता देते हैं, लिखा हुआ आपको मिल जाएगा, ठीक है। देखिए पी वेव है, मैं पी वेव को रेड कलर से दिखाता हूं,
पी वेव है ये पी वेव आपको मोल्टेन स्टेट में या सॉलिड स्टेट में कहीं भी जा सकता है, कोई फर्क नहीं है, ठीक है। इस पी वेव को हम मोल्टेन, देखो ये एरिया क्या है, मोल्टेन है, आउटर कोर है ना, आउटर कोर है ना, ठीक है। ये इनर है, ये मेंटल है और ये क्रस्ट, ये बात आप पहले से जानते हैं, फिर भी मैंने यहां पे लिख दिया। तो ये जो है ना किसी भी स्टेट से गुजर सकता है, किसी भी इनर तक चला जाएगा, यानी कि इनर तक। तो पी वेव एकमात्र ऐसा वेव है, यहां पे ओनली वेव पेनेट्रेट क्या कोर, एकमात्र वेव है जो कोर तक पहुंचता है, एकमात्र वेव है। देखो यहां पे मैंने चार पी वेव बनाया है और चारों को रेड कलर से दिखाया है, तो पी वेव रेड कलर से है, पी वेव कौन से कलर से है, रेड कलर से है, देखो यहां पे। अब हम जरा एस वेव के बारे में बात करें, तो एस वेव को हम ग्रीन कलर से बनाते हैं, ग्रीन कलर से। और आप यहां पे देखेंगे कि एस वेव मोल्टेन स्टेट में नहीं जाएगा, यानी कि जो सेकेंडरी वेव है वो पिघले हुए भाग में नहीं जाएगा, वो सिर्फ सॉलिड में ही रहेगा। तो मैं एस वेव बनाता हूं, देखो ये एस वेव है, ये एस वेव है, ये किसी भी हाल में मोल्टेन स्टेट में नहीं जाएगा। और अगर मोल्टेन स्टेट में आ गया, जैसा कि यहां पे दिखाई दे रहा है कि यहां आ गया, तो अगर मोल्टेन स्टेट में आ भी गया यहां पे, तो ये रुक जाएगा, क्योंकि मोल्टेन स्टेट यानी कि पिघला हुआ क्षेत्र इसके इसका सपोर्ट नहीं है, पिघले हुए क्षेत्र में ये आगे नहीं बढ़ सकता, इस वेव को सपोर्ट नहीं मिलता है। तो इस पॉइंट को आप ध्यान में आप रखिएगा कि मोल्टेन स्टेट में कभी भी ये मोल्टेन स्टेट को पार नहीं कर सकता है, कैन नॉट पेनेट्रेट मोल्टेन स्टेट। तो पी वेव मोल्टेन स्टेट को यहां पे हड़े में है ना, कांट पेनेट्रेट मोल्टेन एरिया, मोल्टेन एरिया या मोल्टेन स्टेट को पेनिट्रेट नहीं कर सकता है पी वेव। तो पी वेव हमेशा किस में होगा, मेंटल में चलेगा या क्रस्ट पे, सॉरी क्रस्ट के ही कुछ भाग में रहेगा, लेकिन क्रस्ट के ऊपरी भाग में कुछ और वेव चलते हैं। तो एकमात्र वेव जो इनर कोर तक गया वो कौन सा है, वो है पी वेव। और एस वेव जो है ना जो हरे कलर का, वो मोल्टेन स्टेट को पेनिट्रेट नहीं करेगा, एस वेव के बारे में बात कर रहे हैं। उसके बाद तीसरा है एल वेव। एल वेव को मैं क्या बोलते हैं, वायलेट कलर से लेता हूं, और इसको देखो कैसे। एल वेव के बारे में पॉइंट क्या है कि ये क्रस्ट पे चलता है, यानी सरफेस पे चलता है। देखो ये एल वेव है, ये सरफेस पे चलता है, और सरफेस पे चलने के कारण इसको एल वेव को मैं एल वेव कर देता हूं, और इसको सरफेस वेव भी बोलते हैं। सरफेस वेव जो हिंदी वाले बच्चे हैं उसके लिए पृष्ठीय तरंग भी इसको बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पृष्ठीय तरंग, सरफेस वेव भी बोलते हैं। और जो वेव सरफेस पे चलेगा वही वेव तबाही लाएगा। देखो सरफेस पे क्या है, पेड़ है, पौधे है, सरफेस पे क्या है, घर है, सरफेस पे क्या, इंसान या फिर जानवर, जो कोई भी प्राणी है वो सरफेस पे ही बास करता है, यानी सरफेस ही पृथ्वी पे बास का स्थान है। तो तबाही कहाँ आएगा, सरफेस पे। अगर यहाँ पे कोई भी बांस का स्थान ना हो तो तबाही किस बात का, तबाही नहीं, कुछ भी हो जाए क्या फर्क पड़ता है। जब हिमालय का निर्माण हो रहा था उस समय जो भी जानवर रहे होंगे इस धरती पे, उसका जो तबाही हुआ होगा वो तबाही हुआ। अगर हमारे जैसे इंसानी जानवर नहीं थे, इंसानी प्राणी नहीं थे हिमालय के निर्माण के समय में, तो इंसान का तबाही नहीं। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि तबाही का मतलब होता है कि नुकसान। तो नुकसान तभी होगा जब वो सरफेस पे चलेगा, तो सरफेस पे चलने वाला वेव ही नुकसान होगा, इसलिए इसको मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव भी बोलते हैं। मोस्ट डिस्ट्रक्टिव, सबसे नुकसानदायक तरंग है ये, मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वेव है मोस्ट। और ये सरफेस पे ही चलेगा, और सरफेस पे कहां चलेगा, पी वेव के पहुंचने के बाद एल वेव शुरू हो जाता है, पी वेव के पहुंचने के बाद एल वेव शुरू हो जाता है। तो मैं कह सकता हूं कि यहां पर इसको मैं शुरू कर सकता हूं, यहां पर मैं इसको शुरू, यहां पे मैं शुरू कर सकता हूं, इस जगह पे पीछे भी चल सकता है, आगे भी चल सकता है, जरूरी थोड़ी है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे तरीके से समझिएगा, चलिए ठीक है। उसके बाद कुछ ऐसा एरिया होता है जो अर्थ शैडो एरिया, अर्थक्वेक शैडो एरिया होता है, भूकंप रोधी क्षेत्र, भूकंप रोधी क्षेत्र होता है, जहां पे किसी प्रकार का कोई वेव नहीं पहुंचता है। ये लगभग इस तरह का एरिया होता है जब आप फिगर को बनाएंगे। तो भूकंप रोधी को मैं यहीं पे छोड़ देता हूं, आप P
पी वेव, एस वेव, एल वेव के बारे में समझिए। प्राइमरी वेव जिसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग, एस वेव सेकेंडरी वेव द्वितीय तरंग, और एल वेव लॉन्ग वेव यानी कि लंबवत तरंग। एल वेव को सरफेस वेव यानी पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं, और मोस्ट डिस्ट्रक्टिव ये तरंग है, ये बात हमने आपको बताया। ओरिजिन को फोकस कहते हैं, और ईपी सेंटर जहां पे पहली बार महसूस किया जाता है, ये बात। तो इस फिगर को आप अपने कॉपी में बना लीजिएगा, आई होप आपने कॉपी में बना भी लिया होगा हमारे साथ, नहीं बनाया होगा तो इसको बना लीजिएगा, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हम आगे बढ़ते हैं। तो यही बात हमने आपको कहा था, फोकस और ईपी सेंटर के बारे में हमने आपको बता दिया क्या है। उसके बाद जो वेव हमने बताया था, वो वेव के बारे में आप एक बार यहाँ पर देख लीजिए। मैंने तीनों वेव के बारे में यहाँ पे बात कर लिया है कि तीन टाइप्स के वेव होते हैं। सिस्मिक वेव वो कौन कौन सा होता है, तो पी वेव जिसको प्राइमरी वेव कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव भी है, ये मैक्सिमम वेलोसिटी इस वेव का होता है। चाहिए क्वेश्चन एग्जाम में भी आया है कि तीनों में से किस वेव का सबसे ज्यादा वेलोसिटी होती है, तो पी वेव का। पासेस थ्रू सॉलिड एज वेल एज लिक्विड, यानी कि सॉलिड और लिक्विड दोनों से पास होती है, तो क्या कह सकते हैं कि कोर को पेनिट्रेट करता है। ये बात मैंने जो वहां लिखा है यहाँ पर भी आप अपनी कॉपी में ऐड कर लीजिएगा, जगह बना के कैसे भी, ठीक है। जगह के लिए आप उनको एक्सक्यूज नहीं कर सकते हैं कि सर यहाँ पर जगह वहां पर आप कर दिए, हम तो जगह छोड़े नहीं। नहीं छोड़े तो साइड में यहाँ पर लिख लो, कहीं भी लिख लो, ये आपका एक्सक्यूज है, मैं उससे नहीं लेना देना है। जो एग्जाम का क्वेश्चन है वो है तो है, ठीक है। सेकेंडरी वेव ट्रांसवर्स वेव कहते हैं एस वेव, ठीक है। एस वेव, ये एस वेव जो है ना कैन ट्रेवल ओनली सॉलिड, केवल सॉलिड में ट्रेवल करेगा, डिसअपीयर इन द लिक्विड, लिक्विड में डिसअपीयर हो जाएगा, यानी कि आउटर कोर में जाते ही ये क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। तो ये बात हमने आपको बताया, डज नॉट पेनिट्रेट कोर, ये बात हमने बता दिया। सरफेस वेव या लॉन्ग पीरियड वेव जिसको वो एल वेव भी कहते हैं, ये क्या है, ये कब शुरू होता है, जब पी वेव हिट करता है सरफेस को तब सरफेस वेव शुरू होता है, ये बात हमने आपको बना के दिखाया है। उसके बाद केवल सरफेस पे ये वर्क करती है, इसलिए इसको पृष्ठीय वेव भी बोलते हैं, पृष्ठीय तरंग भी कहते हैं, और सबसे ज्यादा क्या है, ये डिस्ट्रक्टिव है, तीनों में सबसे ज्यादा ये विनाशकारी है। ये बात सारी बात हमने आपको बता दिया था, और यही बात हमने यहाँ पे लिखा हुआ आपको दिखाया है, इसमें कोई नई बात नहीं है। अब चलते हैं कि दुनिया में और भारत में जो एरिया है वो कहाँ कहाँ है भूकंप का। तो यहाँ पे एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा, अगर आपने हमसे प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पढ़ा है और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी पढ़ा है दोनों को, और दोनों थ्योरी को अगर कंबाइंड रूप से आप देखें, तो वो वैसा हर जगह, मैं फिर से एक बार बता दूं उसके बाद फिर मैं इसके बारे में बात करूंगा, वैसा हर जगह जहां पे प्लेटें एक दूसरे से मिलती हो या प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हो। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी में आप देखिएगा कि किस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से दूर गई है, अफ्रीका से साउथ अमेरिका की प्लेटें दूर गई है, अफ्रीका से इंडिया की प्लेटें दूर गई है, अंटार्कटिका की प्लेटें दूर गई है, तो किस तरीके से प्लेटें एक दूसरे से दूर गई है उसको देखिएगा। तो जहां भी दूर गई है वहां पर भी एक तरीके का फॉल्ट का निर्माण हुआ है, नई स्थलाकृति आई है, और वहां पर भी भूकंप होगा। और जहां पे दो प्लेटें एक दूसरे से जुड़ी है यानी एक दूसरे को धक्का मारी है, वहां पर पर्वतों का निर्माण होगा, बलित पर्वत का, और वहां पर भी भूकंप और ज्वालामुखी का क्षेत्र होगा, इस बात को ध्यान में रखिएगा। और जब ये कॉमन कंसेप्ट अगर आपको समझ में आ रहा है कि प्लेटें के दूर जाने से भी भूकंप है, नजदीक आने से भी भूकंप है, तो जितने भी प्लेटें आपने देखा है उस मैप में, नहीं तो फिर से एक बार जाकर के देख लीजिए प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी का प्लेट और कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी का प्लेट, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन सा एरिया जो है ना वो भूकंप वाला है। वैसे मैं आपको फोटो जरूर दिखाऊंगा, बिना दिखाए हुए तो जाने नहीं दूंगा, आप जानते हैं, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूं कौन कौन सा है। तो जो मेजर अर्थक्वेक एरिया है इन द वर्ल्ड की अगर हम बात करें, तो उसमें सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी कि क्या बोलते हैं प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, वो मेजर भूकंप एरिया है, और ये मेजर वोल्केनो का भी एरिया है, मेजर क्या बोलते हैं ज्वालामुखी का भी एरिया। जब ज्वालामुखी आएगा तो फिर से हम आपको यही बात बताएंगे, एकदम एज इट इज इसी बात को दोहराएंगे, ठीक है। मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट यानी कि जो कॉन्टिनेंट का मतलब मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र हिंदी में बोलते हैं इसको, तो मध्य महाद्वीपीय क्षेत्र का भी इलाका जो है ना वो भूकंप का क्षेत्र होता है, जैसे हिमालय का क्षेत्र, जैसे एल्प्स का क्षेत्र, जो एल्प्स है ना पर्वत उसका क्षेत्र हो गया, या फिर पूरा का पूरा यूरोप से लेकर के और यूरेशिया के बीच का जो क्षेत्र है वहां पर जो है, तो इसको अल्पाइन हिमालय क्षेत्र कहा जाता है, अल्पाइन हिमालय क्षेत्र, एल्प्स से लेकर के हिमालयन एरिया तक का जो पूरा क्षेत्र है वो मिड कॉन्टिनेंटल क्षेत्र है, इस बात को ध्यान में रखिएगा।
वो मैं फोटो दिखाऊंगा फिर से आपको बताऊंगा। मिड अटलांटिक रिज यानी अटलांटिक महासागर के बीच का जो रिज है, ये बात हमने आपको बताया था कि किस तरीके से दो प्लेटें एक दूसरे से दूर गई है, पैसिफिक क्या बोलते हैं साउथ अमेरिका का और अफ्रीका का, और बीच में जो फॉल्ट निर्माण हुआ है और उससे जो मैग्मा और लावा भर के एक नई स्थलाकृति बना दी है वो रिज कहलाता है, जो मिड अटलांटिक रिज है उस वहां पर भी भूकंप का क्षेत्र होगा। तो ये पॉइंट यहां पर ध्यान दीजिएगा, जो भी बात मैंने बताया है सब प्लेटों से जुड़ा हुआ है और वो हम आपको दिखा देंगे, ठीक है। भारत के क्षेत्र में, भारत के पहले हम प्लेटों को दिखा देते हैं और उसके बाद फिर भारत के बारे में बात करते हैं। देखिए ये है आपका भूकंप का क्षेत्र, मुख्य रूप से भूकंप का क्षेत्र है। अब इसमें अगर आप ध्यान से देखें ये आपका भूकंप का क्षेत्र है, इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो ये है सरकम पैसिफिक बेल्ट, सरकम पैसिफिक बेल्ट यानी प्रशांत महासागर के चारों तरफ का क्षेत्र, और ये पूरा प्रशांत महासागर है। ऑस्ट्रेलिया का पूर्वी क्षेत्र से लेकर के देख लो, ये जापान है जहां पर सबसे ज्यादा भूकंप आता है, और ये जापान से लेकर के कनाडा, ये अलास्का है, ये कनाडा और पश्चिमी अमेरिका यूएसए का पश्चिमी भाग, और फिर यहाँ पे चला आता है जो कि रॉकी पर्वत है, यहाँ पे रॉकी है और यहाँ पे इंडीज है और यहाँ पे रॉकी है, रॉकीज है, ठीक है, रॉकी और इंडीज पर्वतमाला का समूह। तो यानी कि ऑस्ट्रेलिया से लेकर के ये इंडीज पर्वतमाला समूह तक का पूरा क्षेत्र है, ये प्रशांत महासागर का क्षेत्र है, इसी को सरकम पैसिफिक बेल्ट बोलते हैं, और जब वोल्केनो पढ़ेंगे तो इसी को रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, रिंग ऑफ फायर बोलते हैं। हालांकि जब वोल्केनो पढ़ाएंगे तो वहां पर फिर से ये बात करेंगे, दोबारा हम आपको समझाएंगे। आपको कहे ना कि ज्योग्राफी में हम आपको यहीं पे याद दिला के रिविजन कराकर सब करा करके भेजेंगे, आप सिर्फ एग्जाम का क्वेश्चन घर पे जाकर सॉल्व कीजिए, इतना बात हमारा मानिए, एक घंटा आप सिर्फ दीजिए, चलिए ठीक है। दूसरा हमने क्या बताया था, मिड अटलांटिक रिज। तो देखो मिड अटलांटिक रिज का क्षेत्र, ये भी भूकंप का क्षेत्र है, देखो ये वही रिज है। अब कैसे रिज है, प्लेट से किस तरीके समझो, तो देखो ये साउथ अमेरिका और अफ्रीका का प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, पहले चिपके हुए थे अब दूर जा रहे हैं, ठीक उसी तरीके से यूरेशिया का प्लेट और नॉर्थ अमेरिका का प्लेट एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, पहले चिपके हुए थे। तो यहाँ पर दूर जाने से जो फॉल्ट का निर्माण हुआ और उससे जो मैग्मा बाहर निकला, ठीक है, स्टेनोस्फीयर से, वहां पर भूकंप का ये क्षेत्र है, ठीक है ना, ये भूकंप का क्षेत्र है। उसके बाद हमने बताया था अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, यानी कि एल्प्स पर्वत से लेकर के हिमालय के क्षेत्र तक जो भी एरिया है वो अल्पाइन हिमालयन बेल्ट है, और ये मिड कॉन्टिनेंटल भी कहलाता है। क्यों, मिड कॉन्टिनेंटल, मिड कॉन्टिनेंटल किस लिए, क्योंकि कॉन्टिनेंट के मध्य में है ये, है ना, ये एशिया कॉन्टिनेंट है आप जानते हैं, इसके मध्य में है, ये यूरोप कॉन्टिनेंट है इसके मध्य में, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है इसके मध्य में, देखो तो ये मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट है, अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी इसको बोलते हैं। अपने कॉपी में जहां पे मिड कॉन्टिनेंटल लिखा है वहां पे अल्पाइन हिमालयन बेल्ट भी कह सकते हैं। तो वहां पर देखो ये भूकंप का है, और ये भी भूकंप का क्षेत्र कैसे है, यहां पर भी प्लेटों की बात है, हिमालय यहां पर आके टकराया है तो यहाँ पे भूकंप होगा। ये आप जानते हैं कि हिमालय का ही एक एक्सटेंडेड पार्ट है जिसको हम पूर्वांचल की पहाड़ी के रूप में जानते हैं, ठीक है। ये यहाँ पे एल्प्स है जो मोरदार बलित पर्वत है, मोरदार है बलित पर्वत है, यानी कि फोल्ड माउंटेन है, तो यहाँ पर भी भूकंप का क्षेत्र है। तो पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, प्लेटों से चीजों को समझिए, देखिए कॉन्सेप्ट पकड़िए, एक एक चीज रट्टा मारिएगा तो रट्टा मारते रहिएगा, कॉन्सेप्ट समझिए कि क्या हो रहा है। अगर आप सरकम पैसिफिक बेल्ट की बात करें तो देखो ये साउथ अमेरिकन प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट से टूटा और एक दूसरे से दूर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर अगर इस तरफ जा रहा है, अगर ये इस तरफ जा रहा है और ये इस तरफ जा रहा है, तो इस तरफ जाने का मतलब यहाँ पैसिफिक प्लेट से ये टकराएगा, पैसिफिक प्लेट ये है और ये है, तो यहाँ पे इंडीज बन गया, ठीक उसी तरीके से ये पैसिफिक प्लेट है और ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट है, ये टकराएगा तो यहाँ पे रॉकीज बन गया और यहाँ पे भूकंप का एरिया है। उसी तरीके से ये हिमालय का है, भारत का प्लेट है, और ये यूरेशियन प्लेट है जिसको चाइना का प्लेट भी बोलते हैं, दोनों टकराएगा तो हिमालय बन गया और ये भूकंप का क्षेत्र है। तो चीजों को बड़े इत्मीनान से समझने की कोशिश कीजिएगा, बड़े गौर से, बड़े प्यार से प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी को फिर से एक बार देखिए, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी को फिर से एक बार देखिए, बड़े इत्मीनान से समझिए, रट्टा मत मारिए, आपको समझ में सब आ जाएगा, ठीक है ना। चलिए तो ये प्लेट टेक्टोनिक, ये मैंने भूकंप का क्षेत्र आपको बताया कहाँ कहाँ है।
अब भारत में भूकंप का क्षेत्र कहाँ होगा, आप हमें बताइए। ये भारत का एरिया है। अब आप अगर से अगर हम पूछे कि भारत में भूकंप का क्षेत्र कौन कौन सा होगा, तो आपको क्या कहना चाहिए, ये बात आप हमें बताइए। आपको कहना चाहिए कि सर हिमालय से लगा हुआ जो क्षेत्र है वो भारत में सबसे ज्यादा भूकंप का क्षेत्र होगा, और ये पॉइंट सही है क्योंकि प्लेटें एक दूसरे से टकराई है, ये बात मैं बता रहा हूं। और वही बात है जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, यहां पे ध्यान दीजिएगा, जो ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड है, इन्होंने भारतीय भूकंप को, भारत के पूरे क्षेत्र के भूकंप के जोन को के कितने भागों में बांटा है, तो 5, 4, 3, 2, चार भागों में बांटा है। देखो जोन दो, अब आप कहिएगा सर उल्टा क्यों लिखे, 2, 3, 4, 5 क्यों नहीं लिखे, किताबों में तो 2, 3, 4, 5 होता है। तो मैं आपको ये कहूंगा कि मैंने उल्टा इसलिए लिखा क्योंकि मुझे सबसे पहले सबसे ज्यादा भूकंप वाला क्षेत्र दिखाना था और सबसे नीचे सबसे कम भूकंप वाला क्षेत्र दिखाना था। तो जोन टू सबसे कम भूकंप का क्षेत्र है, जोन थ्री उसके बाद थोड़ा सा ज्यादा का भूकंप क्षेत्र है, जोन फोर उससे थोड़ा ज्यादा का भूकंप क्षेत्र है, और जोन फाइव सबसे ज्यादा भूकंप का क्षेत्र है भारत में, दुनिया में नहीं भारत में, और सबसे ज्यादा भूकंप का क्षेत्र है। तो ये कौन सा क्षेत्र है, तो हिमालयन बेल्ट है। कैसे, आप देखिए जोन 5 मैक्सिमम इंटेंसिटी है और रीजन कहां है, हिमालय रीजन एंड रन ऑफ कच्छ, ये दो ऐसा रीजन है जहां पे सबसे ज्यादा भारत में भूकंप आते हैं और सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का आता है। ज्यादा आने का मतलब सबसे ज्यादा इंटेंसिटी का आता है, यानी कि भूकंप की भयावहता ज्यादा होगी। रिएक्टर स्केल पे ये इंटेंसिटी है जो 9 हमने यहां पे लिखा है, सॉरी रिएक्टर मार्केली स्केल पे, जो 9 से ज्यादा हमने मार्केली स्केल पे कहा, रिएक्टर स्केल पे नहीं। रिएक्टर स्केल पे 9 का मतलब तो हो गया कि बिल्कुल तबाही, और मार्केली स्केल पे 12 तक होता है, तो 9 का मतलब थोड़ा सा है जान बचा हुआ। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जोन 5 जो भारत का है वो हिमालयन बेल्ट है। अब जब हिमालयन बेल्ट की बात हम कर लिए और रन ऑफ कच्छ, तो कौन कौन से क्षेत्र आएंगे, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, बिहार और यूपी का उत्तरी भाग जो हिमालय से लगा हुआ है, ये क्षेत्र होगा हिमालयन रेंज। नहीं समझ में आया क्या, आप इसको समझिए। मैंने बार बार कहा है कि आप मैप रखिए भारत का, दुनिया का, पॉलिटिकल और फिजिकल दोनों। अब मैं आपको समझा रहा हूं, तो आप हिमालय की तरफ जाइए और देखिए कि कौन कौन सा स्टेट है, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यूपी और बिहार का उत्तरी भाग जो हिमालय से सटा हुआ है, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, ये हिमालयन बेल्ट है। और उसके बाद फिर अगर पूर्वांचल की पहाड़ी की बात करें जो हिमालयन बेल्ट का ही एक पार्ट है, उसमें आपको आ जाएगा अरुणाचल प्रदेश की बात तो कर लिया हमने, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, ये सारे के सारे आ जाएंगे। तो ये भूकंप के सबसे ज्यादा प्रभावी वाले क्षेत्र हैं भारत के अंदर। उसके बाद अगर बात करें कि भूकंप से कम प्रभावी क्षेत्र, यानी कि उसके बाद चौथे जो जोन है, जिसको हम चौथे जोन कहते हैं, रट्टा नहीं मारना, लिखना नहीं है। हाँ कुछ बच्चे लिख सकते हैं मेरी बातों पे, लेकिन रट्टा या नहीं मारना, आपको समझना है चौथे में क्या आएगा। तो उसके ठीक नीचे वाला क्षेत्र वो कौन कौन आता है, पंजाब, हरियाणा, बिहार और यूपी के दक्षिणी भाग, बिहार यूपी के दक्षिणी भाग जो गंगा का लगा हुआ भाग है वो, उसके बाद आगे बंगाल, ये सारे क्षेत्र किस में आएंगे, जोन फोर में। जोन थ्री में कौन से क्षेत्र आएंगे, तो और नीचे चले आओ, यानी छत्तीसगढ़, एमपी, इनका क्षेत्र जोन थ्री में आएंगे। और जोन थ्री और जोन टू एक दूसरे से इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि ज्यादा आप छांट नहीं सकते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट से बता दूं, अगर बड़े गौर से सुनेंगे मेरी बात तो, और आपको सुनना चाहिए गौर से, दो तीन जो है वो पेनिनसुलर इंडिया या प्रायद्वीपीय भारत का भाग है, यानी पार्ट ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, यानी कि प्रायद्वीपीय भारत का भाग है। तो इसको एक कंसेप्ट में समझते हैं कि जो प्रायद्वीपीय भारत का भाग है वहां या तो भूकंप नहीं आएंगे, और अगर भूकंप आएंगे तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कमजोर होगी कि कोई असर नहीं पड़ने वाला है या ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है। मैं फिर से बोला हूं, प्रायद्वीपीय भारत के जितने भी स्टेट हैं, प्रायद्वीपीय भारत की जब हम बात करते हैं तो आप वहां पे झारखंड से लेकर के और केरला तक नीचे चले आ सकते हैं, इधर आप ले सकते हैं राजस्थान के एरिया से नीचे, हालांकि गुजरात का जो कच्छ का रन
है वो जरूर भूकंप का 5 जोन में है, लेकिन उसको मैंने पहले लिख दिया तो उसको छोड़ के। तो जब नीचे की तरफ हम आते हैं तो हम क्या पाते हैं कि मतलब केरला तक कि भूकंप या तो नहीं आएंगे, और अगर आएंगे तो उसकी इंटेंसिटी इतनी कम होगी कि पता नहीं चलेगा या कोई ज्यादा असर नहीं होगा। मेरी पॉइंट को ध्यान रखिएगा, और ये प्रायद्वीपीय भारत का रीजन है। लेकिन जब हम नॉर्थ इंडिया की बात करते हैं, खास करके जम्मू कश्मीर से लेकर के और अरुणाचल प्रदेश तक, और उसमें बिहार यूपी सब जुड़ जाता है, हरियाणा पंजाब, तो ये एक ऐसे क्षेत्र है जहां पे भूकंप का एरिया है, जहां भूकंप आएंगे और आने से आपको नुकसान पहुंचाने की संभावना है। और जो हिमालय में बसे हुए स्टेट है, JNK, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड जैसे स्टेट, सिक्किम जैसे स्टेट, वो तो बिल्कुल तबाही वाले एरिया में है, कभी भी भूकंप आएगा और तबाही ला देगा। तो पॉइंट को समझिएगा अरेंज तरीके से, हिमालयन क्षेत्र सबसे ज्यादा, उसके बाद का कम, और उसके नीचे एकदम भूकंप नहीं आएगा, और आएगा भी तो नुकसान नहीं पहुंचाएगा। तो ये भारत का भूकंप के क्षेत्र को मैंने कॉन्सेप्ट से आपको समझाया, रट्टा मार के नहीं। इसको बार बार सुनिएगा, कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट कीजिएगा, मैं फिर से कॉन्सेप्ट को समझा सकता हूं। कमेंट जरूर करेंगे, एग्जाम का क्वेश्चन बनाएंगे, मेरे कॉन्सेप्ट के आधार पर क्वेश्चन बनता हुआ दिखेगा, और नहीं बनेगा तो हम यहाँ पे सॉल्व करने के लिए बैठे हुए हैं। वोल्केनो के बारे में यानी कि ज्वालामुखी के बारे में हम लोग बात करेंगे। इससे पहले आप लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में देखा है, यानी कि आप लोगों ने भूकंप के बारे में देखा है इससे पहले जो हम लोगों ने बात किया था। देखो, ज्वालामुखी और भूकंप में सिमिलैरिटीज है। सिमिलैरिटीज क्या है, तो इसके जो स्थान है, जो प्लेसेस है, वहां पे सिमिलैरिटीज है, यानी कि जहां पे भूकंप पाया जाएगा उसी जगह पे आपको ज्वालामुखी भी पाया जाएगा। चूंकि आप जानते हैं कि भूकंप का एक कारण ज्वालामुखी भी है, तो ये सिमिलैरिटीज भी आप समझने की एक कोशिश कीजिएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर यह है कि ज्वालामुखी एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्पल बेस्ड है, यहाँ से एग्जाम्पल से क्वेश्चन ज्यादा आते हैं, तो एग्जाम्पल को भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे, और मैं मैक्सिमम एग्जाम्पल आपके सामने में रखने की कोशिश करूंगा। अगर किसी तरह का कोई एग्जाम्पल छूट गया हो तो आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हुए, अगर कोई ऐसा मिल जाए तो आप उसको ऐड करते हुए रहिएगा। तो पॉइंट को आप समझने की थोड़ा सा कोशिश कीजिए। हम लोग ज्वालामुखी के बारे में बात करते हैं, शुरू करते हैं, थोड़ा सा ज्वालामुखी को आपको हम बताते हैं। देखो, सबसे पहला पॉइंट तो यहां पर यह है कि ज्वालामुखी होता क्या है। सबसे पहला पॉइंट है तो ज्वालामुखी, हिंदी वाले बच्चे परेशान नहीं होंगे, मैं हिंदी में बोल रहा हूं तो आप सुनिए हमको और लिखिए, ठीक है। और इंग्लिश में आप लिख सकते हैं तो बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं बार बार बोला हूं कि इंग्लिश को आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। देखो, ज्वालामुखी एक प्रक्रिया वेंट है। वेंट का मतलब होता है छिद्र। वेंट का मतलब क्या होता है, छिद्र, एक तरीके का दरार है, वेंट है, छिद्र है। कहां, ऑन द सर्फेस ऑफ अर्थ, पृथ्वी के धरातल पे, यानी कि पृथ्वी के पृष्ठ पे एक तरीके का छिद्र है जिसके द्वारा लावा और मैग्मा लगातार बाहर निकलती रहती है, और उसी प्रक्रिया को ज्वालामुखी कहते हैं। पॉइंट समझ में आ गया, हिंदी में मैंने पूरा एक सेंटेंस में बताया, वही बात मैंने इंग्लिश में लिखा है कि वोल्केनो इज अ वेंट और ओपनिंग, एक तरीके का वेंट है, छिद्र है, कहां, अर्थ सर्फेस पे, थ्रू विच मैग्मा लावा एस गैसेस वाटर वेपर आर इजेक्टेड। अब यहीं से क्वेश्चन एग्जाम का आ गया है, ये VVI में कर देता हूं, क्वेश्चन एग्जाम का आ गया है। क्या एग्जाम का क्वेश्चन आ गया है कि आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा कि ज्वालामुखी के प्रक्रिया के दौरान क्या क्या चीजें बाहर निकलती है, आपसे ये क्वेश्चन पूछ लेगा। तो ज्वालामुखी के प्रक्रिया के दौरान मैग्मा, राख, जलवाष्प, गैसेज, ये सारे बाहर निकलते हैं। तो ऑप्शन को बड़े सही तरीके से देखिएगा, और गैसेज में भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कौन से गैस बाहर निकलती है। तो पॉइंट यहां पर ध्यान रखिएगा, सारे ही गैसेज बाहर निकलते हैं, लेकिन इसमें दो क्वेश्चन एग्जाम का मैं आपको बताता हूं। मैक्सिमम गैस कार्बन डाइऑक्साइड होगा, ये बात को ध्यान रखिएगा। तो ज्वालामुखी प्रक्रिया में सबसे ज्यादा कार्बन और उसके जो कॉम्पोनेंट्स है वो बाहर निकलते हैं गैसेज के रूप में, तो कार्बन डाइऑक्साइड, यहाँ पे पॉइंट को आप ध्यान में रखेंगे। तो क्या क्या बाहर निकलती है, as gases and water vapor, जलवाष्प बाहर निकलता है। अब यहां पे आगे बात करें कि वोल्केनो को दूसरा पॉइंट, और ये क्वेश्चन एग्जाम का है, इसको ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम का है कि वोल्केनो को सेफ्टी वॉल्व कहा जाता है। ये बात हमने आपको बताया, सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर किसलिए कहा जाता है। देखो,
पृथ्वी में जब आपने कोर पढ़ा है, ठीक है ना, सॉरी इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ा है, तो हमने आपको उसमें बताया था कि जिस तरीके से जैसे जैसे आप अर्थ के नीचे की तरफ जाएंगे यानी कि कोर की तरफ जाएंगे तो टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। मेरी बात ध्यान से समझ लीजिएगा, अगर वहां पे छूट गया होगा तो इस पॉइंट को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि जैसे जैसे अर्थ के हम नीचे की तरफ यानी कोर की तरफ जाएंगे टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे की तरफ यानी कोर की तरफ जाएंगे डेंसिटी घनत्व क्या होगा, इंक्रीज होगा। ठीक उसी तरीके से जैसे जैसे हम अर्थ के नीचे जाएंगे कोर की तरफ जाएंगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो टेम्परेचर, प्रेशर एंड डेंसिटी ये तीनों इंक्रीज होता है विद द डेप्थ ऑफ अर्थ। इस बात को ध्यान रखिएगा, पृथ्वी के जैसे जैसे गहराई में जाएंगे ये तीनों इंक्रीज होगा। और ये क्वेश्चन एग्जाम का बना है, यहां पे गड़बड़ मत कर दीजिएगा, और उस हिसाब से हम सेट भी बहुत समझाने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन एग्जाम का क्या बना हुआ, मैं आपको बताता हूं कि सबसे ज्यादा यानी मैक्सिमम डेंसिटी किस लेयर का होता है। जब हम आपको इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ पढ़ाए थे जिसमें क्रस्ट, मेंटल और कोर पढ़ाया था, उसमें हम आपको बताते हैं कि मैक्सिमम डेंसिटी किसकी होगी, तो मैक्सिमम डेंसिटी कोर की होगी। क्यों? क्योंकि ये कांसेप्ट मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे आप पृथ्वी के नीचे की तरफ जाएंगे डेंसिटी, टेम्परेचर और प्रेशर सब क्या होगा, बढ़ते जाएगा। तो मैक्सिमम कहां होगा, कोर में, सिंपल पॉइंट है। और सबसे कम कहां होगा, क्रस्ट पे। तो ध्यान रखिएगा कि जब भी आपको डेंसिटी से क्वेश्चन आए कि मैक्सिमम डेंसिटी और मिनिमम डेंसिटी, तो मैक्सिमम कोर में और मिनिमम डेंसिटी क्रस्ट में। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में नोट करके अभी लिखो, इसी समय लिख लीजिए आप अपने कॉपी में, एकदम छोड़ना नहीं, नोट बनाओ और लिख लो। और अगर नोट्स बना रहे हो तो पीछे कोर के टॉपिक पे जाओ और वहां पर लिख लो, प्लीज लिख लो, एग्जाम का क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो हम लोग सेफ्टी वॉल्व के बारे में बात करते हैं। तो पॉइंट क्या है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ता है अर्थ के कोर में या अर्थ में, तो वो टेम्परेचर बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, बहुत ज्यादा टेम्परेचर बढ़ते चला जाएगा। और अगर वो बाहर नहीं निकला टेम्परेचर और वो प्रेशर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने से प्रेशर भी बढ़ेगा, वो तो बंद है ना, समझ लो कि एक डब्बा है जिसमें हम ढकना को बंद करके और नीचे से पानी को उबाल रहे हैं और ढक्कन से ऊपर बंद किए हुए जबरदस्ती। तो अगर उस कुकर में अगर सेफ्टी वॉल्व ना हो, उस कुकर में सीटी नहीं हो निकलने के लिए, जो कि वोल्केनो है, या सेफ्टी वॉल्व नहीं हो, तो कुकर क्या होगा, फ्लस्ट कर जाएगा। तो पॉइंट यहां पर ये है कि चूंकि गर्मी बहुत ज्यादा है अंदर में और उस गर्मी से प्रेशर भी बहुत ज्यादा बना हुआ है, तो अगर वो बाहर ना निकले तो क्या होगा, पृथ्वी ही खंडित हो जाएगी। तो इसीलिए इसको सेफ्टी वॉल्व ऑफ नेचर कहा जाता है, ध्यान रखिएगा इस बात को। मेरी बात समझ में आ गया, तो इस पॉइंट को आप अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, ठीक है। डेंसिटी वाला पॉइंट जरूर कॉपी में नोट करना, एग्जाम में क्वेश्चन है। और ये पॉइंट भी कॉपी में नोट करना, एग्जाम का क्वेश्चन है। इसके बाद वाला भी एग्जाम का क्वेश्चन है, इसको भी आप कॉपी अपने नोट कीजिएगा। पेले टेयर्स या पेले हेयर्स ओरिजिनेट ड्यूरिंग वोल्केनिक इरुप्शन, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या पूछा है कि पेले टेयर्स क्या है, पेले टेयर्स, पेले असुरु क्या है, तो अब चार ऑप्शन बना देगा। और जानते हैं कि पेले एक ब्राजील का खिलाड़ी भी हुआ करता था, ठीक है, जो पूरे दुनिया में सबसे ज्यादा गोल करने का रिकॉर्ड उन्हीं के पास है शायद। तो पेले महान फुटबॉलर था, अब आप सोचेंगे कि उसी के नाम पर ये पेले आंसू रख दिया है। इसको पॉइंट को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। पेले अश्रु या पेले हेयर, जो बाल जिसको बोलते हैं, एक तरीके की वोल्केनिक इरुप्शन है। वोल्केनिक इरुप्शन के द्वारा कंपोनेंट निकलता है जिसका नाम पेले टियर और पेले हेयर रखा गया है। तो कंपोनेंट कैसा है, तो पेले हेयर या रेसे जैसा चीज अगर वोल्केनिक इरुप्शन में निकला, रेसे जैसा चीज, तो वो पेले हेयर होगा। और अगर कोई सॉलिड सा चीज, पतला पतला मुड़ा मुड़ा सा निकले ब्लैक ब्लैक कलर का, तो वो पेले टियर्स है। अब पॉइंट यहां पर है कि इसका नाम पेले क्यों है, तो इसको हम बताते हैं। पहले यह समझ लीजिए कि एग्जाम में क्वेश्चन जो पेले टीयर्स और पेले हेयर्स पूछा है वो किससे जुड़ा हुआ है, वोल्केनिक इरुप्शन से, यानी कि ज्वालामुखी उद्गार से जुड़ा हुआ है। इस पॉइंट को आप अपने कॉपी में जरूर नोट कर लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश वाले बच्चे आराम से, ठीक है। चलिए अब पेले क्या है वो समझिए। दरअसल पेले, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि देवी है, किस चीज की देवी है, वोल्केनो, यानी कि क्या बोलते हैं, फायर एंड लाइटिंग इन हवाई आइलैंड, जो यूएसए के हवाई आइलैंड है। नाम सुना होगा आप लोगों ने हवाई आइलैंड का, तो यूएसए का जो हवाई आइलैंड है वहां पे पेले को देवता, देवी माना जाता है, गॉडेस है ना, तो देवी माना जाता है। किस चीज का देवी, आग की देवी, फायर, लाइटनिंग, लाइटनिंग की देवी,
वोल्केनो यानी कि भूकंप की देवी। तो पेले एक देवी है अकॉर्डिंग टू द क्या बोलते हैं कल्चर ऑफ हवाईयन आइलैंड। तो हवाईयन आइलैंड के कल्चर के अकॉर्डिंग पेले क्या है, एक गॉडेस है, एक देवी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। उसी हिसाब से पेले टीयर्स और पेले हेयर्स जैसे शब्द वोल्केनिक इरप्शन को लेकर के आया है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा। हवाई आइलैंड की राजधानी है होनोलुलु। हवाई आइलैंड की राजधानी है होनोलुलु। अब स्पेलिंग को थोड़ा सा एक बार देख लीजिएगा, हो सकता है कि स्पेल में ठीक ना हो तो होनोलुलु को कर लीजिएगा। वैसे लू ऑस्ट्रेलियन वर्ड में इसको शौचालय यानी कि जिसको वॉशरूम आप लोग बोलते हैं तो लू बोला जाता है। खैर तो पता नहीं क्या है ये होनोलुलु, ऐसे आप समझ लीजिए कि हवाईयन आइलैंड की राजधानी है। चलिए ठीक है, आगे हम बात करते हैं। अगला है, ये भी एग्जाम का क्वेश्चन है, वो क्या है कि कप शेप माउथ ऑफ वोल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर। अब चूंकि अभी मैप थोड़ा छोटा सा बनाएंगे तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि क्रेटर क्या होता है। अभी मैप से हम आपको समझा देंगे लेकिन क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। चलिए, द मोस्ट कॉमन वोल्केनिक गैस इज वाटर वेपर फॉलोड बाई कार्बन डाइऑक्साइड जिसकी हमने बात किया था एंड सल्फर डाइऑक्साइड, इस बात को ध्यान रखिएगा। जब आप यहाँ पे बात करते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन से क्या क्या निकलता है तो मैग्मा, राख, गैस, वाटर वेपर, तो यहाँ पे पॉइंट को समझिएगा। तो वाटर वेपर बहुत ज्यादा निकलता है और गैसों में कार्बन डाइऑक्साइड, याद रखिएगा। हालांकि इसको वोल्केनिक गैस ही कह दिया गया वाटर वेपर को, लेकिन वाटर वेपर गैसेस, गैसेस में कार्बन डाइऑक्साइड कर सकते हैं। और अगर सबको एक साथ मिला दे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर और दूसरे तीसरे सल्फर डाइऑक्साइड जैसा हमने लिखा है, तो आप वहां पर वाटर वेपर टिक करके आ जाएंगे, गलत नहीं होगा, क्योंकि एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछना चाहता है, पूछा भी है, जैसा कि हमने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। चलिए आगे, अब हम बात करते हैं कि वोल्केनिक इरप्शन के बारे में, एरिया ऑफ वोल्केनो। तो देखो, एरिया ऑफ वोल्केनो जो है ना वो बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि एरिया ऑफ अर्थक्वेक था, जैसा कि एरिया ऑफ अर्थक्वेक था बिल्कुल वैसा ही है। जैसे सरकम पैसिफिक बेल्ट जिसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट और मिड अटलांटिक रिज। अभी मैप में हम इसको भी दिखाएंगे और एक बार थोड़ा सा वोल्केनो के क्रेटर के बारे में बात कर लेंगे और वोल्केनो के टाइप्स के बारे में बात कर लेंगे, ठीक है। तो छोटा सा एक मैप बनाता हूं। देखिए, मान के चलो कि ये आपका एक वोल्केनिक इरुप्शन का एक पॉइंट है, ठीक है, और यहां से वोल्केनिक वोल्केनो का एक, ठीक है, चल रहा है, और ये ठीक है ये। अब यहां पे देखिएगा, ये जो बना है ये, जिसको मैं दूसरे कलर से एक बार कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए, ये जो बना है ये, इसको बोलते हैं क्रेटर। इसको क्या बोलते हैं? क्रेटर, इस बात को ध्यान रखिएगा, इसको क्रेटर बोलते हैं। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आया, ये क्वेश्चन क्या आया है? एग्जाम में आया है, ठीक है, पॉइंट समझ में आ गया, इसको बोलते हैं क्रेटर। और ये है मैग्मा, ठीक है, इसी के साथ वाटर वेपर भी निकलेगा, ठीक है, इसी के साथ गैसेस भी निकलेंगे जिसमें हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मैक्सिमम मात्रा में आता है, सबसे ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड, इसकी बात यहां पे हम लोगों ने किया। अब यही मैग्मा ठंडा होकर के, हमने रॉक आपको पढ़ा दिया है, तो यही मैग्मा कूल एंड सॉलिड, सॉलिडिफिकेशन जिसको हम यहां पे लिख देता हूं, ठीक है, कूल और यानी ठंडा और जमने के बाद जो क्या बोलते हैं चट्टान का निर्माण करेगा, वो चट्टान क्या कहलाएगा? आग्नेय चट्टान, इग्नियस रॉक, ठीक है, वो चट्टान कहलाएगा आग्नेय चट्टान, जैसा कि हमने आपको पहले बताया है। तो ये एक वोल्केनिक पॉइंट है। अब वोल्केनो के अलग अलग टाइप्स है, शेप के आधार पे और इरुप्शन के आधार पे। हवाईयन टाइप का वोल्केनो होता है जहां बहुत ज्यादा गैसेस निकलते हैं, एक वोल्केनो होता है जो बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, ब्रस्ट बहुत ज्यादा होता है, तो वहां पे हम इतने अंदर नहीं जाएंगे। एग्जाम में इतने अंदर जाने का मतलब है कि आप नेक्स्ट लेवल के कंपटीशन के एग्जाम का तैयारी कर, तो बहुत ज्यादा हम लोग पॉइंट्स को यहाँ पे बोझिल नहीं बनाएंगे, बस सिंपल तरीके से हम चीजों को रख करके चलते हैं। वैसे बताने के लिए हम आपको बताएंगे मुश्किल से हमें 15 मिनट लगना है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूं कि आपके ऊपर बहुत ज्यादा बोझ पड़े। चलिए, अब हम थोड़ा सा एरिया ऑफ वोल्केनो के बारे में बात करें कि कहाँ कहाँ वोल्केनिक एरिया पाया जाता है।
चलिए, ये बिल्कुल वही मैप है जो हम अर्थक्वेक में आपको दिखाए थे। और इस मैप को अगर हम समझते हैं तो सबसे पहले हमने कहा था कि सरकम पैसिफिक बेल्ट, तो ये देखो सरकम पैसिफिक बेल्ट है, ठीक है ना। ये क्या है, सरकम पैसिफिक बेल्ट है, दिख रहा है आपको सरकम पैसिफिक बेल्ट। और इस सरकम पैसिफिक बेल्ट के चारों तरफ ये जो एरिया है ये अर्थक्वेक का एरिया भी है और ये वोल्केनो यानी कि भूकंप का एरिया भी है। और इसको रिंग ऑफ फायर कहा जाता है, रिंग ऑफ फायर कहा जाता है। और ये क्वेश्चन एग्जाम में एक बार नहीं 1000 बार आया है, मतलब 1000 times आया है कि सर रिंग ऑफ फायर किस ओशियन में पाया जाता है या कहां पाया जाता है, तो पैसिफिक ओशियन में। पॉइंट सीधा यही पूछेगा, क्वेश्चन आपको यही बनाना है। सरकम पैसिफिक बेल्ट ऑप्शन नहीं देगा, रिंग ऑफ फायर पूछेगा, ओशियन का नाम या चार ओशियन ना देकर के आपको रिंग ऑफ फायर पूछेगा और चार जगह ऑप्शन दे देगा जिसमें से आपको क्या पैसिफिक ओशियन को चूज करना है, पैसिफिक ओशियन को टिक करना, ठीक है। या रिंग ऑफ फायर किसके लिए जाना जाता है, तो वहां पे अर्थक्वेक भूकंप यानी कि अर्थक्वेक और वोल्केनो दोनों ऑप्शन रहेगा। तो जब रिंग ऑफ फायर स्पेसिफाई कर दे तब आप वोल्केनो टिक करके आएंगे, अर्थक्वेक टिक करके नहीं आएंगे, मेरा आपसे रिक्वेस्ट है। क्योंकि ऐसा ना हो कि हम दोनों एक ही फिगर दिखा रहे हैं, अर्थक्वेक में भी और वोल्केनो में भी, और आप समझ जाए कि सर ये वोल्केनो अर्थक्वेक दोनों में है। तो दोनों में बिल्कुल सही है, बात यहां पे टर्मिनोलॉजी की होती है, बात यहां पे जो शब्द होते हैं उसकी होती है, खेल इसी की होती है। इस बात को समझ लीजिए, है एक ही चीज, एक ही जगह दिखा रहा हूं, वही पॉइंट है, नथिंग इज चेंज, लेकिन शब्दों का फिर है। जब रिंग ऑफ फायर की बात आएगी तो आप वोल्केनो ठीक करके आएंगे, अर्थक्वेक ठीक करके नहीं आएंगे, नहीं तो गलती हो जाएगा। चलो ठीक है, दूसरा हम लोग क्या बात कर रहे हैं, मिड अटलांटिक रिज। ये देखो मिड अटलांटिक रिज, हमने आपको मिड अटलांटिक रिज पहले ही बताया, मैंने आपको कहा था कि जब डाइवर्जेंट मोशन होता है यानी दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है, तो अब देखो मैं सारा चीज रिविजन करा रहा हूं, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितना कैरी करके हमारे क्लास में आप आए हैं, ठीक है, इसको देखने के लिए, ठीक है। जब हमने डाइवर्जेंट मोशन के बारे में बात किया था तो हमने कहा था कि जब दो प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो जो दरार होता है उस दरार में स्टेनोस्फीयर से लावा या मैग्मा ऊपर आता है, जम जाता है और एक नई स्थलाकृतियां निर्माण कर देती है जिसे हम लोगों ने क्या कहते हैं, रिज। और इसका सबसे अच्छा एग्जांपल कौन है, मिड अटलांटिक रिज। और चूंकि यहां पे एक दूसरे से दूर जा रहा है, एक डाइवर्जेंट मोशन है, तो वहां पे एनर्जी लग रही है। बिना एनर्जी के तो कोई प्रकार का मोशन नहीं हो, चाहे डाइवर्जेंट मोशन हो चाहे कंजर्वेट मोशन हो, यानी कि एक दूसरे के नजदीक जाए चाहे एक दूसरे से दूर जाए, और जब भी एनर्जी लगेगी तो भूकंप वहां पे होगा। तो अर्थक्वेक का ये एरिया है और अर्थक्वेक के साथ साथ ये वोल्केनो का भी एरिया है, क्योंकि नई स्थलाकृति वोल्केनो के कारण नहीं बना है, तो ये वोल्केनो का भी एरिया है। मैं अर्थक्वेक भी आपको रिवाइज कर रहा हूँ, वोल्केनो भी रिवाइज कर रहा हूँ, एक ही फिगर से। पॉइंट को समझने की कोशिश कीजिएगा, यहाँ पे हमने सरकम पैसिफिक बेल्ट उस समय भी बोला था, यहां भी बोल रहा हूं, पॉइंट समझ में आ रहा है, एकदम कूल होकर के हमको समझिए, हम बोलते रहेंगे, आप आराम से सुनिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए, ठीक है। अर्थक्वेक के भी पॉइंट को आप ध्यान में रखिएगा, मैं यहाँ पे रिवीजन आपको अर्थक्वेक भी। उसके बाद हम क्या बोले, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट या फिर अल्पाइन हिमालयन बेल्ट, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट के बगल में अल्पाइन हिमालयन बेल्ट। अब चूंकि मिड कॉन्टिनेंट यानी कॉन्टिनेंट के महाद्वीपीय के बीच में ये चीजें पाई जाती है तो इसको मिड कॉन्टिनेंटल कह देगा। अब देखो यहाँ पे ये पूरा यूरोपियन क्या बोलते हैं कॉन्टिनेंट है, वहां पे पाया जा रहा है ये भूकंप और ज्वालामुखी की प्रक्रिया, फिर उसी तरीके से ये हिमालय का है और हिमालय के पूरा एरिया क्या है, मिड कॉन्टिनेंट में, अरे भारत है ऊपर में, भारत को सब कॉन्टिनेंट कहा जाता है, वहां हिमालय है। और चूंकि भारत में हिमालय नहीं है, हिमालय चाइना में भी है, हिमालय क्या बोलते हैं पाकिस्तान में भी है, नेपाल में भी है, भूटान में भी है, म्यांमार तक। तो पॉइंट यहां पर इस बात को समझिएगा कि ये मिड कॉन्टिनेंटल का ही पॉइंट है, तो हिमालय भी मिड कॉन्टिनेंट में आ रहा है, ठीक है। तो इसको अल्पाइन हिमालयन बेल्ट बोलते हैं, मिड कॉन्टिनेंटल बेल्ट, यहां पर भी वोल्केनो और ज्वालामुखी की बात होगी। तो इस बात को आप अच्छे तरीके से समझ लीजिए, अच्छे तरीके से अपने कॉपी में लिख लीजिए, इसको समझ लीजिए, मैप को देख लीजिए, फिगर वही है, कुछ भी चेंज नहीं है, समझाने का तरीका भी वही है। तो दोनों रिविजन भी हो गया और जगह भी आपको समझ में आ गया। और फिर से एक बार डाइवर्जेंट मोशन के बारे में हमने बता भी दिया, यहाँ पे मिड अटलांटिक और हिमालय का निर्माण कंजर्व मोशन का यानी कि एक दूसरे के नजदीक डिस्ट्रक्टिव प्लेट का परिणाम है हिमालय, और ये रिज कंस्ट्रक्टिव प्लेट का है क्योंकि नए कंस्ट्रक्शन का निर्माण हुआ है, इस बात को ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे प्लेटें टूटी फूटी है तब जाकर के पर्वत का निर्माण हुआ है। चलिए तो ये मैप से आपको समझ में आ गया। अब वोल्केनो के अगले पॉइंट के बारे में बात करते हैं, टाइप्स ऑफ वोल्केनो, वो शेप के आधार पे नहीं, इरुप्शन के आधार पे। यहां पे ध्यान रखिएगा,
जो हमने यहाँ पे बनाया, और मैंने कहा कि शेप के आधार पे अलग अलग वोल्केनो होता है, जैसे कि कोई वोल्केनो होते हैं जो बड़ा डेंजरस होते हैं, वो ब्रस्ट टाइप का वोल्केनो होते हैं, काफी उसमें से लावा और ज्वालामुखी जब निकलते तो फूट फूट करके बहुत बहुत दूर तक गिर जाते हैं। अब यहाँ पे पॉइंट बनाएंगे तो बहुत दूर चले जाएंगे। कुछ होते हैं जो सिर्फ गैस वगैरह निकालते हैं और पूरे में अंधेरा कर देते हैं, कुछ होते हैं जो सिर्फ गर्म पानी निकालते हैं जिसको गीजर कहा जाता है। गीजर हमारे यहाँ भारत में भी गर्म पानी की झरना है, गीजर है, गर्म पानी की चीज है, वो भी एक तरीके की वोल्केनो ही है। अब मैंने कहा था कि मैं आपको बताऊंगा तो काफी समय लग जाएगा, तो पॉइंट को समझे से लक्ष्मण कुंड वगैरह जब आप पढ़ते हैं सुनते होंगे तो वो गर्म पानी का, वो भी एक टाइप ऑफ वोल्केनो है, ठीक है, इसको समझिएगा। तो गीजर होते हैं, ये भी वोल्केनो में आते हैं, तो ये अलग अलग टाइप्स के वोल्केनो है, ये इरुप्शन के आधार पर है, ठीक है। उसी तरीके से हम इरुप्शन के आधार पर वोल्केनो को इरुप्शन के आधार पे यहाँ पे टाइप ऑफ वोल्केनो यहाँ पे अलग अलग है। एक है एक्टिव, यानी कि एक्टिव वोल्केनो, चलो एक है एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव वोल्केनो यानी कि सक्रिय ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी क्या होता है, तो सक्रिय ज्वालामुखी का मतलब होता है कि जहां जिस ज्वालामुखी से लगातार लगातार लावा मैग्मा या गैसेस जो भी है वो बाहर निकलते रहे लगातार। अब लगातार का मतलब क्या, अभी निकला, शाम में भी निकले, सुबह में निकले, नहीं, इसको ऐसा भी हो लेकिन जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, मतलब मेरी बात समझिए। लगातार का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि लगातार निकलते रह रहा है, एकदम कंटिन्यूस हम गए और दिख रहे हैं, नहीं, दो साल आज निकला, दो साल के बाद निकला, वो भी कंटिन्यूअस ही है, वो भी एक्टिव ही है। आज निकला, 20 साल के बाद निकला, वो भी एक्टिव है। आज निकला, 25 साल के बाद निकला, वो भी एक्टिव है। यानी कि जो ज्वालामुखी को एक्टिव या डोरमेंट या क्या बोलते हैं डेड, इन सारे प्रकार में बांटने के लिए बहुत लंबे लंबे समय तक की गिनती की जाती है। 50-50 60-60 70-70 साल के बाद अगर ज्वालामुखी एक्टिव हो जाता है तो उसको एक्टिव नहीं रखते हैं, उसको एक्सटिंक्ट या डेड में नहीं रखते हैं। इस पॉइंट को समझिएगा, 2-2, 3-3 सौ साल से अगर कोई ज्वालामुखी में किसी तरह का कोई हलचल नहीं हुआ है 200-150 सालों से, तो वो सुसुप्त है यानी कि डोरमेंट है, उससे ज्यादा सालों से नहीं हो रहा तो वो एक्सटिंक्ट है। यानी कि वैज्ञानिक जब तक पूरे तरीके से अवेयर नहीं हो जाए कि नहीं अब इसमें किसी प्रकार का कोई हलचल नहीं होगा तो वो डेड होता है, लेकिन जिसको हम डेड मान लेते हैं उसमें भी हलचल हो जाता है, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो पॉइंट थोड़ा सा बड़ा है, मिला जुला सा है, लेकिन एक्टिव डोरमेंट और एक्सटिंक्ट वोल्केनो में अगर डिफरेंस करना है तो 1-2 साल और 1-2 महीने या लगातार को अलग तरीके से मत समझिएगा। यहाँ पे लंबा लंबा डिफरेंस होता है, आज हुआ, आज से 5 साल बाद भी अगर कोई ज्वालामुखी फूट रहा है तो वो एक्टिव में ही गिनती होगा, वो एक्टिव वोल्केनो ही होगा, इस बात को समझ लीजिएगा। तो ड्यूरेशन जो है ना लंबा लंबा लिया जाता है ज्वालामुखी को क्या बोलते हैं एक आइडेंटिफिकेशन के लिए। तो एक्टिव वोल्केनो पॉइंट समझ में आ गया कि जहां पे लगभग वोल्केनिक एक्टिविटी होते रहे 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल में लगातार जो एक्टिव वोल्केनिक एक्टिविटी होते रहे। अब इसमें ऑप्शन क्या क्या है, एग्जांपल क्या है, जैसा कि हमने आपको बताया कि ये पूरा का पूरा जो टॉपिक है एग्जाम्पल बेस्ड है, तो इसका एग्जाम्पल है मौना लोआ। पहला मौना लोआ कहां है, हवाई आइलैंड पे है, हवाई आइलैंड जिसकी राजधानी होनोलुलु है। माउंट वेसुवियस कहां है, इटली में है, इतना इटली में, स्ट्रोम्बोली ये भी इटली में है, और स्ट्रोम्बोली से सबसे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं, मोस्ट वीवीआई जिसको बोलते हैं, मोस्ट वीवीआई स्ट्रोम्बोली के बारे में क्या पूछा गया है, लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी कहा जाता है इसे, भूमध्य रेखा, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ, हिंदी वाले बच्चे स्ट्रोम्बोली को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। तो लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी हो गया, उसके बाद कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, इक्वाडोर देश है कोटोपैक्सी, इसको वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कहा जाता है, ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ है कई बार, वर्ल्ड हाईएस्ट वोल्केनिक माउंटेन कोटोपैक्सी। बैरन आइलैंड जो भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो है, बैरन आइलैंड, ठीक है, एकमात्र एक्टिव वोल्केनो भारत का है बैरन आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार में है, ठीक है, अंडमान एंड निकोबार में। चलिए अगला डोरमेंट वोल्केनो यानी कि सुसुप्त ज्वालामुखी। सुसुप्त का मतलब है कि एक सोया हुआ है, तो सोया हुआ है इसका मतलब जगेगा, डेड का मतलब मर गया, जैसे कि हम रात में सो जाते तो सो है तो सुबह में जगेंगे, यानी कभी ना कभी ये जग सकता है, यानी कि इसमें एक्टिविटी आ सकती है, लेकिन अभी डोरमेंट है क्योंकि पिछले 50-100-150-200 सालों से इसमें कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। जैसे वेसुवियस, सॉरी वेसुवियस दो जगह आ गया ना,
इसको जरा एक बार हम नोट ऑफ इंट्रोगेशन करते हैं और हम यहाँ पे थोड़ा सा कंफर्म करेंगे, कभी कभी कुछ गड़बड़ हो जाता है। नोट ऑफ इंट्रोगेशन विसुवियस के लेकर हम कंफर्म कर देंगे कि ये एक्टिव है या डोरमेंट है, अभी तुरंत कर देंगे, ठीक है। फ्यूजियामा जापान, कराकाटाओ इंडोनेशिया, नारकोंडम इंडिया, इंडिया का नारकोंडम जो है ना वो क्या है, डोरमेंट है, डोरमेंट वोल्केनो है नारकोंडम इंडिया का अंडमान निकोबार में। डेड और एक्सटिंक्ट यानी कि ये वोल्केनो डेड हो चुका है, यानी काफी दिनों से इसमें किसी प्रकार का कोई एक्टिविटी नहीं हुई है। किलिमंजारो तंजानिया, किलिमंजारो तंजानिया, ठीक है। कोपा म्यांमार, को सुल्तान ईरान, देमबंद ईरान, ये भी लिख सकता हूं मैं यहाँ पे, देमबंद ईरान, और भी इसमें एग्जाम्पल आपको पा सकते हैं, लेकिन फिर भी मैंने आपको बहुत सारा एग्जाम्पल दे दिया है, ठीक है, इसको आप एक बार संभाल लीजिएगा। तो इस एग्जाम्पल को आप देखिएगा और भी क्वेश्चन आप बनाइए, अगर एग्जाम्पल कुछ अलग आपको दिखे तो आप उसको ऐड कर सकते हैं एक्टिव, डोरमेंट और एक्सटिंक्ट के अलग अलग टॉप पॉइंट्स में, ठीक है ना। जैसे एक्टिव अगर कोई मिले तो यहाँ पर लिख दीजिए, मिलेगा, बहुत मिलेगा, बाहर दुनिया में एक्टिव वोल्केनो 500 है और डोरमेंट और एक्सटिंक्ट का छोड़ दीजिए, तो आपको मिलेंगे बहुत। बस आपको याद क्या करना है, जो एग्जाम वगैरह जैसे स्ट्रॉन्गली एग्जाम का सबसे प्यारा क्वेश्चन है, स्ट्रॉन्गली बहुत ज्यादा प्यार है एग्जामिनर को इससे, कोटोपैक्सी सबसे हाईएस्ट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इतना से क्वेश्चन, मोनालोआ से क्वेश्चन पूछते हैं, फ्यूजियामा बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो इन चीजों को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, एग्जाम्पल बहुत मिलेंगे लेकिन उन्हीं एग्जाम्पल के साथ हमको जाना है जो कि एग्जाम में फ्रीक्वेंटली पूछे गए हैं, तो आपको अगर कभी दिखे तो उसको आप ऐड कर सकते हैं यहां पे। नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलेंगे, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी तरह का कोई प्रॉब्लम है तो आप हमें कमेंट करेंगे, थैंक यू।